अरे कंदन कुड्डी मेले में पूरा गांव भरा रहता है, ढोल अच्छे से बजाओ। ए सैन्य, क्या चुपचाप आ रहा है, अच्छी तरह से बजाना। अरे मेले में भगवान की पूजा करने आया तो लफड़ा क्यों कर रहे हो, रुको ना। अरे रमेश भाई, काली माँ की पूजा के लिए हम हर साल कांवर उठाते हैं और मन्नत मांगते हैं, अन्नदान करते हैं, पूरा गांव मिलके आग पे जलते हैं। हम लोग इतना सब क्यों करते हैं पता है, कि अगर गांव पे कोई मुसीबत आए तो माता हमारी रक्षा करेंगी, आखिर सब माँ की ही तो कृपा है। हमारी रक्षा मंदिर करेगा, तालाब करेगा, ऐसा सोचकर बैठे नहीं रहना है, अभी हमें मंदिर और तालाब को बचाना होगा। पूरे गांव में बोरिंग करते हैं, बम लगाते हैं, पूछते हैं तो कहते हैं कि मीथेन टेस्ट है, जब तक खेती है तब तक हमारी जिंदगी है। आसपास के गांव वालों ने जमीन को टेस्ट करना शुरू कर दिया है, बस हम ही है जो भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। अरे बाप रे, स्टंप उखाड़ दिया, ये लोग शेर हैं, इन्होंने साबित कर दिया ये लोग सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ हाँ, आ जाऊंगा समय पे, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो। अरे यहाँ पे हूँ तो किसी काम से हूँ ना। हाँ ठीक है, चलो। कमलेश एकदम सही रहेगा है ना, मेहमानों को कॉफी दिया कि नहीं। हाँ दे दी है, कभी मुझसे भी कुछ पूछ लेंगे तो क्या आपकी शान कम हो जाएगी। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या यार, सुबह जल्दी आने के लिए बोला था फिर भी तुम लोग लेट आ रहे हो। सुनी, गर्मा गर्म इडली बनाइए, थोड़ी खाकर जाइए। मेहमानों को दो ना। अरे उन्हें मैं दे चुकी हूँ। देकर पूरी जायदाद लुटा देगी, आप चुप हो जाइए। ये सास बहू का सीरियल पिछले 25 साल से चल रहा है, थोड़ी देर का काम है, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है। सत्यानाश, ये गाड़ी हमेशा खराब हो जाती है, जाओ देखो क्या हुआ। इसने बोनट खोल दिया, अब समझ लो हम पहुंच गए। इस पर भरोसा करेंगे तो बीच रास्ते में अटक जाएंगे। अरे मंजा भाई, लगता है गाड़ी जल्दी ठीक नहीं होगी, चलो तुम्हारी गाड़ी से चलते हैं। मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल ही खत्म हो गया है। तो ऐसा करता हूँ, मैं बाइक से आता हूँ, एक साथ भीड़ में जाना जरूरी नहीं, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो हमारे हित में होना चाहिए, सही कहा ना। ठीक है निकलिए। 10-15 कार में जाएंगे ना तो भी इज्जत नहीं देते वो लोग, बाइक में जाने से कौन सी इज्जत बढ़ जाएगी, वो भी इस जमाने में। मैं जो बोल रहा हूँ उसे गलत मत समझिए, आज और कल चंद्राष्टम है, चाहे जो भी स्थिति हो जाए मुंह नहीं खोलना है, समझे। मैंने तहसीलदार को पहले ही फोन कर दिया, वो सब संभाल लेगा। ठीक है, बंद करने के लिए बोला पता है ना, इतना बंद करना काफी अरे है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंडली कह रही है। चलो सब लोग गाड़ी में बैठो, मुझे मेरी कुंडली देखनी पड़ेगी। कितनी बार बोलता हूँ कि उस ड्राइवर को बदल दीजिए, देखा ना अब बाइक से जाना पड़ रहा है। अरे भाई उसे क्यों कोस रहे हो। अरे मैंने ही उससे बोला था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ऐसा नाटक कर रहा है। हाँ भाई, हम क्या सत्ते में हैं जो सबको लेकर जाएंगे। अरे भाई हम तो मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ कोई भी हमें इज्जत नहीं देने वाला, अब अगर ज्यादा लोगों के साथ जाएंगे तो लफड़ा ही होगा ना, मुसीबत खड़ी करने वाला। मैंने घर में पहले से ही एक को पाल कर रखा है, वो सरदर्द कम है क्या। काफी नहीं है सर, आप जो सुरक्षा और पैसे दे रहे हैं वो हमारे लिए काफी नहीं है, हमारे गाँव के लिए ये सब चाहिए, ऐसा किसने मांगा सर। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा, तुम्हारे गाँव में मीथेन टेस्ट के लिए सारा अप्रूवल ले लिया मैंने, पार्टी वालों का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है, उनके खिलाफ आप लोग क्या कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमारे गांव में मीथेन के लिए खुदाई करेंगे तो मिट्टी से लेकर पानी तक सब खराब हो जाएगा ना, हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। अगर आवाज उठानी है तो मीटिंग में आकर उठाओ, मुझे रोक कर बात करोगे तो कुछ नहीं होगा। देखते हैं क्या होने वाला है, कौन उतरने वाला है मैदान में। 3 साल मुझे पवेलियन में बिठा के रखा था ना, आज मैं 4 और 6 मारने वाला हूँ, बाहर बैठकर मेरा कमाल देखो क्या करता। क्या देखना है, मीथेन का साथ देने वाला कोई भी अधिकारी कुछ भी करेगा तो हम बैठकर देखेंगे क्या। तहसीलदार के आने के बाद इस मामले से बात करके कोई एक फैसला लेना ही होगा। बात करके अगर कोई फैसला लेना है तो वहाँ आकर बात कर सकते हैं, लेकिन आप फैसला करके बात करने आए हैं, वहाँ आकर बात करने के लिए हम लोग बेवकूफ लगते हैं क्या। इसमें कोई शक नहीं है, जो किस्मत में लिखा होता है होता वही है, 2 बॉल में 10 रन चाहिए, अगर सचिन तेंदुलकर खुद भी उतर आए ना तो भी जिताना बहुत मुश्किल है। ये लोग हारने वाले थे और इनका कैप्टन भी भाग गया। विक्रम आखिरी बार अपने कैप्टन को फोन करके देख लो।
करे 10 मिनट में पहुँच जाऊंगा सर। साहब वो 10 मिनट में आ जाएंगे। अरे पिछले 1 घंटे से तू यही बोल रहा है, यहाँ विकेट पे विकेट गिर रहे हैं और वो जिंजर जिद कर रहा है मैदान पर उतरेगा। ये सब देखकर मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। अरे मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, नारियल पानी में कुछ मिला कर दिया था क्या मुझे? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा उस नारियल में किसी ने जहर नहीं मिलाया है, बल्कि ये सादा कोल्ड ड्रिंक मिक्स करके दिया है। प्रकृति से मिलने वाला नारियल पानी में थोड़ा सा रसायन मिला कर दिया तो इतनी सी शरीर में इतना नुकसान पहुंचा रहा है। तो मीथेन टेस्ट के नाम पर हमारी जमीन में इतना सारा रसायन मिलाएंगे तो हमारी मिट्टी को कितना नुकसान पहुंचेगा? आप डरिए मत सर, एक गोली खाओगे तो ठीक हो जाओगे, लेकिन हमारी मिट्टी को ठीक करने के लिए कौन सी गोली है सर? अपने आर्यू ने तहसीलदार को कुछ मिलाकर दे दिया है, उसको जुराब शुरू हो गया है और वो बावड़ी के पास पड़ा हुआ है। एक तरफ पार्टी और दूसरी तरफ ये सब बकवास। ए, चलो। अरे पंचायत को खराब कर दिया ना उसने, चलो निकलते हैं। ए भगवान, चलो। 3 साल के बाद जिंजर मैदान में उतर रहा है। आके बताता हूँ तुझे। सॉरी जिंजर, तुम्हें वापस जाना होगा क्योंकि तुम्हारा कैप्टन मैदान में आ चुका है। 2 बॉल में 10 रन चाहिए। देखते हैं ये कैप्टन कुछ कमाल कर पाएंगे या नहीं। थैंक्स यार। अरे ये क्या है, बैट में ताबीज? बैट में बॉल कहीं भी लगे 6 जाना चाहिए। काली माता के मंदिर का आशीर्वाद है, बहुत पावरफुल है ये। यार नहीं चाहिए कहीं लग गई तो। ये ना मार खाने वालों के लिए, मारने वालों के लिए नहीं। जा रे जा। किसने यूज किया था? भाई भाई कोल्ड ड्रिंक भाई। अब मैं तुझसे कोल्ड ड्रिंक मंगा क्या? इस तमाम पर 20 पे जाता है। कोल्ड ड्रिंक। अरे बाप रे, ऐसा मारा है कि बॉल स्टेडियम पार करके चली गई है। ए, कैसी बॉल डाल रहा है? छाती तक आनी चाहिए ऐसी बॉल डाल। ऐसे डालोगे तो वो आराम से सिक्सर मारेगा। यॉर्कर डाल। हाथ में एक ही बॉल है, कितने सारे बॉल डालूं मैं? ए भाई, वाइट डालेगा तो वो मारेगा ही ना। जब वो उतरा था तभी पता चल गया था कि हम लोग हार जाएंगे। हो सके तो उसका पॉइंट डैमेज करने की कोशिश कर। ए भाई, तूने पहली बॉल में 6 मारा, इसका मतलब ये नहीं कि तू मैच जीत गया है। अगली बॉल में तू पक्का आउट होगा, देखना। मुंह से क्रिकेट खेलने की बजाय उसे जल्दी से बॉल डालने बोल। मैंने बोला था ना वैसे कर। तेरी तो आज मैं तेरा बैंड बजा दूंगा। अरे बाप रे, ये तो मैलकम मार्शल की तरह दौड़ के आ रहा है। ट्यूबलाइट टूटने की आवाज आई थी। पहले ही बोला था गार्ड पहन के जा, लेकिन इसे तो कुछ नहीं हुआ। और ये 22 से होके जा रहे हैं 4 रन। जैसा बोला था उसने मिडिल स्टंप को उखाड़ी दिया। इस प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया था, लेकिन जीतने वाली टीम तो एक ही होती है, चाहे निमंत्रण कितनों को भी मिले। तो जीतने वाली टीम है कैप्टन अर्यू की। यहाँ के अध्यक्ष महोदय अब जीतने वाली टीम को सम्मानित करेंगे और ये कप प्रस्तुत करेंगे। इनको बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। कांग्रेस बेटा, कांग्रेस। ला कप ला, ले ये ले बेटा कप का। किसी और के हाथ से इस कप को लेने की ख्वाहिश है? एक मुख्य सूचना, मेरा जिगरी दोस्त जिंजर जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आ जाए। अरे यार वो तुझे बुला रहा है यार, जा जा जा। आता हूँ। वाह वाह यार, तुझे गलत समझ लिया था यार मैंने। अरे हाँ ना। थैंक यू यार, थैंक यू। आज जो मैंने ये कप लिया है उसकी वजह है मेरा दोस्त जिंजर। अगर ये नहीं होता तो इस कप को मैं 3 साल पहले ले लेता। जो बेइज्जती हुई है ना उसके बाद पूरा बॉटल पी जाऊंगा। मेरा यार जब हारता है ना तो भी नाश्ता है, अब तो जीत गया है। ए, अचार है या प्रसाद है। पी। ए भाई, इसके लिए बोलना पड़ेगा क्या? कौन? इसको तो मैंने कहीं देखा है यार। ये तो फिल्म वाली है, वही है ना?
भाई देखो तो कौन आया है। आखिर में पागल हो जाती है, सही गाना शुरू करो। बात है, मजा आ गया, सुपर। हाय उसने जो किया वो डांस था क्या? फाइट को गाने में बदल के जा रहा है। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। okay. कौन है बेवकूफ, रात को लाइट जला के चला रहा है। अबे तुझे पता नहीं है, वो स्ट्रीट लाइट है। दोनों लाइट के बीच में घुसा के निकाल दे। आजा 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 आजा। अरे यार ये के जो है वो कर्नाटका होता है या केरला? अरे ये गाड़ी का इनिशियल होगा यार, अगर मारने का फैसला कर लिया तो अमेरिका हो या आंध्रा, चल मारना। ए आजा। ए, तुम लोग पानी तो नहीं देते हो, रास्ता भी नहीं दोगे क्या? भाई था। आ, चल। मार, 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 क्या कर रहे हो? इधर गाड़ी चला रहे हो, ट्रक को क्यों टक्कर मार रहे हो? क्या फ्लाइट का टक्कर मारो? छोड़ो ना भाई, ये लोग पिए हुए हैं। दो बड़े लोग बात कर रहे हैं, वो ऊपर बैठा हुआ है। उतर, जोर से चारों व्हील निकाल के अपनी गाड़ी में लगा ले। उतर, नीचे उतर, उतर उतर नीचे उतर, वरना गाड़ी पलटी कर दूंगा। अरे उठ नहीं रही है मुझसे, उठाई छोड़ूंगा नहीं, चलो नीचे उतरो। अभी आता हूँ। क्या रे परेशान करोगे तो गाड़ी चढ़ा कर निकल जाऊंगा। बात बोल रहा है, बात बोल रहा है, आज तो मैं इसको तोड़ के दब लूंगा। बहुत एनर्जी में हूँ मैं, समय लगता है परफॉर्म करना ही पड़ेगा इसके सामने। घुसा दे घुसा दे घुसा दे, देखते हैं क्या होता है। घुसा दे घुसा दे घुसा दे घुसा दे। जब हम शराब पीते हैं ना ऑल इंडिया, अगर ये चाहते नहीं तो इनको पका के खा जाता मैं। सांड की तरह घूमता रहता है गांव में, हर किसी के साथ झगड़ा करता है और उसके बाद देर रात घर आता है। समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं, ऐसी भी किसी की औलाद होती है क्या? इसने तो ये ऑनलिया कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रहा है। सुनिए जी, वो रात को ही घर आया है, कुछ खाया भी नहीं होगा, उसे डांटिएगा मत। तो क्या करूं, उसे मैं अपने सिर पर बिठाकर डांस करूं? हां मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आज मेरी खटिया ने क्यों चिल्ला के हो रहा है? क्या बात हुई होगी पता है क्या? देखिए शांति से बात करिएगा। हे अगर तेरी माँ सही होती ना तो तू भी सही होता। पूरा का पूरा गांव उसे शराबी कहता है और इसके पेट में जलन होती है। वो पी रहा है तो इसे जलन क्यों हो रही है? Good question. मेरा नाती शराब पिएगा क्योंकि उसके अंदर उसके नाना का खून है। बढ़िया ने लार की पढ़ाई की। अगर ये चिल्लाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा क्या? माँ जी आप चुप हो जाइए। अभी उसको दरवाजा खटखटाने दो, तब मैं उसको बताता हूँ। तहसीलदार को रास्ते में रोक कर तुम्हारे लाडले बेटे ने उसके साथ लफड़ा किया। अभी बताता हूँ उसे। अरे सुनिए, मिस्टर चंदन, हम कुमकुम आए हैं। चंदन चंदन, वर्कआउट हो गया क्या? तेरे बाप ने बोला था कि दरवाजा नहीं खोलेगा, ऐसे खड़ा जैसे स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया उसने। तू ध्यान मत दे, इधर कंटिन्यू कर। तू ठोकना और ठोकूंगा तो पूरा घर गिर जाएगा। अरे सोचा था आदमी आएगा, ये तो स्टूल आ रहा है। वेलकम। क्या चंदन, ए तुम लोग को अकल नहीं है क्या? इधर है ना, तुझे बुला रहा है। मेरे घर में आके पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? क्यों रे, आधी रात को मेरे घर का दरवाजा क्यों ठोक के परेशान कर रहा है? सुबह आके ठोकूंगा तो कॉफी पिलाएगा क्या? अरे ओ बेवड़े, शराब पीने के बाद अपना घर छोड़ के मेरे घर क्यों आ गया? ए, हम शराब पीते है ना तो भी अपने कपड़े पहन के आते हैं, तेरे जैसे भाभी का पेटीकोट नहीं पहनते। बैगन कहीं का। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पैदा करने वालों की गलती है। ऐसे लोगों तो फांसी में लटक के मर जाना चाहिए। इनकी वजह से क्या क्या सुनना पड़ता है। मैंने भी अपने बच्चों को बड़ा किया है। अबे खुद बड़ा हुआ नहीं, अपने बेटे को बड़ा करेगा। बात करता है। ए, जाओ उसे लेकर आओ, तुम्हारा बेटा बहुत गुस्से वाला है, किसी पर भी हाथ उठा देता है। उसके हाथ उठाने से पहले उसे लेकर आओ। माँ जी आप जाकर ले आइए ना, जाइए ना माँ जी। मैंने तुमसे बोला था ना, बात करते करते उसने हाथ उठा दिया। चंदन का घर है कि नहीं बस इतना बोल। मेरे बाप के बारे में क्यों बोला तूने? तू क्या उनको बोल रहा है? मैं उनको कुछ भी बोल सकता हूँ।
मैं चाहो तो उनको गाली भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे बाप को गाली देने वाला अकेला मैं ही होना चाहिए, और पूरे गांव में ये हक सिर्फ मेरा है और किसी का हक नहीं है मेरे बाप को बोलने का। तू ले ले ये, चल रे दादी। अरे ये तो अपना ही घर है। नहीं, अगर बारिश भी आती है तो इसे परेशानी होती है, और तू इसके सामने खड़ा होकर बातें कर रहा है। चल मेरे साथ अंदर। चलो चलो सो जाते हैं, रात को बेवजह में जगते रहते हैं। बदमाश कहीं का, मेरे पोते को बिगाड़ने वाला तू ही है। तूने मेरे घर की सुख शांति छीन ली है। ए मुत्तु स्वामी का बेटा, तुझे झाड़ू से मारूंगी मैं। अगर तुझे सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम बदल देना। तू कैसे दोस्त है इसके। गुड मॉर्निंग। दोनों शराब पीकर हमेशा नाटक करते हैं। अरे शराब पीकर वो लोग आ रहे हैं और तुम मुझे अंदर धकेल रही हो। अरे हां हां जा रहा हूं। चल, तुझे बिगाड़ने वाली वो शराब की दुकान ही है, इससे बोलकर तो कोई फायदा नहीं। इस बुढ़िया ने तो दरवाजा बंद कर दिया। यार वो लोग खुद बुलाएंगे। ले मेरे बच्चे, थोड़ा सा खाना खा ले। चल, मुझे छोड़ के तो खाएगा नहीं, वो पक्का है। तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो ना, क्यों ऐसे लोगों के साथ रहते हो? उनकी संगत मत किया करो, वो तुम्हें बिगाड़ देंगे। इतना बड़ा हो गया फिर भी खाने की तमीज नहीं है तुझे। बस हो गया, छोड़। ये क्या सोचा था, मेरे बिना खाना नहीं खाएगा? ये तो हड्डी को एक्सरे करके फेंक रहा है। संभल कर, संभल कर। आधी मछली, अगर इसे चींटी या मक्खी देखेगी तो भी चप्पल उतार के मारेगी। अरे खड़ूस बुढ़िया, तेरी तो खिड़की भी बंद। प्रकृति से मिलने वाली ताड़ी पीकर सेहत बनाने के बजाय बोतल की शराब पीकर अपनी सेहत बिगाड़ रहा है। गलत कर दिया यार, अगला तेरा बाप ही सीएम बनने वाला है, बोलता तो वहीं पर दो पराठे लेकर देता। धोकर फेंकने के बाद भी खुशबू महक रही है। अरे ये कब आया? सुबह 6 बजे आ गया क्या? मैं नहीं हूँ ये सोचकर सो रहा है क्या? ए, ए भाई, भाई, अरे उठना यार, अरे उठना। कब आया बे तू? गया ही कब था बे? अबे बैठ ना, तुरंत ऐसे जा क्यों रहा है? ए, मैं जा नहीं रहा हूँ, कल से यही पड़ा हुआ हूँ मैं। तू कल ही आया था, तो बताया क्यों नहीं? अरे यार, बगल वाले का दरवाजा ठोकेंगे तो तेरा बाप दरवाजा खोलेगा, ये मुझे पता है ना। लेकिन साथ में आने वाले को खाना खिलाना चाहिए, तुझे पता नहीं है क्या? रात में तूने खाना नहीं खाया तो फिर ये सब तूने खा कर फेंके है? मैं What do you mean यार? ए, मीन हो या मुर्गा हो, बट खाया तू नहीं है। ये तू क्या बकवास कर रहा है? तुझे तो माफ कर सकता हूँ, तेरे घर में वो जो खुड़ूस बुढ़िया ना जो इधर उधर घूमती रहती है, उसने जो बोला है ना, कुत्ता भी बेचारा फांसी पर लटक के मर जाएगा। ये सब कब हुआ यार? ए, ज्यादा नाटक मत कर। पड़ोसी को तूने एक बजाया, मेरे खिलाफ तूने एक पुराने पीस को भड़काया, और इतना ही नहीं, उस कर्नाटका लॉरी वाले के खिलाफ भी भड़काया। कर्नाटका लॉरी? नहीं यार। मैं कितना भी शराब के नशे में रहूं, मैं चंदन का बेटा हूं, ये शान थोड़ा भी कम किए, उस लॉरी को नीचे उतारा ना वही, अगर एक मिनट भी लेट होता ना तो कंफर्म उस ड्राइवर की डेथ हो जाती। आ बोला ए, अगर मैं एक सेकंड भी लेट हो जाता ना तो तू डेथ हो जाता। चढ़ा और ऊपर चढ़ा। हां बे, तुम देखो क्या होता है। दे, ये क्या कर रहा है? अरे अरे अरे, अरे ऐसे मत चढ़ा ना भाई। ए, ए, नहीं नहीं, क्या बोल रहा है? छोड़ के बोलता हूं, हमें माफ कर दे भाई, गलती हो गई। टूटी वाले कान पकड़ता हूं, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे भाई गलती से हो गई। अरे इसने पी रखी है, समझा करो यार, समझा करो, माफ करो, माफ करो। ए, चढ़ा दे, चढ़ा दे, चढ़ा दे उसके ऊपर भाई। भाई ऐसे ही मजाक कर, हम ये देख लेते हैं। थोड़ा साइड 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 निकल जाएगी। एक नंबर के पागल हो तुम दोनों। ए, पागल होंगे या नहीं होंगे, तू निकल यहां से। चल निकल निकल, आगे से गाड़ी ठीक से चला देगा, नहीं तो चढ़ा देगा तेरे ऊपर। चल निकल, वीर की तरह मैदान में उतरे और वीर की तरह तुझे बचा लिया अपने आंसुओं से। क्या कहा तूने? आंसू बहाकर बचाया? इससे अच्छा तो उसे मार खाकर मर जाना चाहिए। इसके लिए तुझे अकेले जाना चाहिए था। घर के चारों तरफ चींटियां हैं बेटी, इसलिए कीटनाशक दवाई डाल पापा, रहा हूं। घर से चींटियां भगाना है, बस इतना ही ना? उसके लिए मेरे पास एक दूसरी दवा है। दूसरी दवा? कौन सी दवा है बेटी? ये कौन सी दवाई है? कोई हमें परेशान कर रहा हो तो उसे दर्द दिया बिना भी तो भगाया जा सकता है।
कितनी गोनी हुई है भाई? 20 गोनी भाई। ओ भाई, उसे भेजने के लिए, इसे बेचने के लिए। बेचने के लिए? ये तो क्या बात कर रहा है? हम लोग खाना खाने के लिए आलस करते हैं और यहाँ आकर तेरे लिए गधा मजदूरी करते हैं। ये भी नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो इसके लिए तू इस धान को बेचकर पिएगा? धान नहीं तो क्या, जमीन बेचे है? क्या हमेशा शराब शराब करता रहता है? उस दिन खेला, जीता और फिर शराब पिया। रोज रोज पीने के लिए मुझे शराब ही समझाए क्या? अरे अरे बाप रे बाप, छोड़ना, मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी घर। जिसने कभी कार नहीं देखी वो कार में आया है। जरा देख जाकर क्या है। कौन है सर आप? सर फेडरनेक्स कंपनी के एरिया मैनेजर हैं। इनको एक हेल्प चाहिए थी, इसीलिए लेकर आया हूँ मैं। क्या सर, जिसे पेड़ पे चढ़ना आता है वही आपके सिम से बात कर सकता है, ऐसा सुना है मैंने? उसके लिए एक हेल्प मांग रहे हैं यार। हाँ। टावर लगाएंगे तो इस एरिया की सिग्नल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इन लोगों ने बुआना की एक जमीन को देखा है, 2,00,000 रुपए देने को तैयार है, लेकिन वो लड़की जमीन नहीं देगी ऐसा कह रहे हैं। हाँ सर। भाई अगर अपना रियो चाहेगा ना तो इस गांव में टावर लग सकता है। अगर वहाँ टावर लगाना है तो यहाँ पे कवर देना पड़ेगा, चलेगा ना? सर 50,000 कमीशन देंगे सर। अभी तक तू कहाँ था भाई? आइए सर, उसके सामने कमीशन की बात मत करना, गुस्सा हो जाएगा। क्या हुआ यार? सर उस टावर के बारे में। रुकिए ना सर, दरअसल ये गांव में टावर लगाना चाहते हैं। वही बुआना वाली जमीन मांग रहे हैं ये, लेकिन वो लड़की मना कर रही है। लेकिन सर के लिए नहीं, इस गांव के लिए। अच्छा ऐसा? यस। ठीक है, नहाकर निकलते हैं। चींटियों के पास खड़ी रहोगी, पौधे में पानी डालो बेटी। अच्छा टावर की हाइट यही है क्या? चुपचाप खड़ा कर देते हैं ना इसे। एक मदद मांगने के लिए आया हूँ, आप करोगे? मेरे लिए नहीं, इस गांव के लिए। ऐसे बात करेगा तो वापस पौधे में पानी डालते चला जाएगा। मुद्दे पे आ। अपने गांव के लोगों को सेलफोन पर बात करने में कितनी तकलीफ होती है ये आपको पता है? तो टावर नहीं मिलने की वजह से लोग पेड़ पर चढ़कर माले पर चढ़कर बात करते हैं। बिल्कुल, वो बंदरों की तरह। सेलफोन कंपनी वाले खुद ही आकर टावर लगाने की बात कर रहे हैं तो आपकी बेटी जमीन देने से मना कर रही है। अरे वो जैसे 4 पेड़ लगाते हैं ना, उसी तरह से 4 रॉड लगाना है बस। देखो मेरी बेटी जो फैसला लेती है ना उसके पीछे कुछ कारण होता है। उसमें हम लोगों का 50,000 है। मैं बच्ची को लेकर आता हूँ। बच्ची, घर में भेड़ बकरी पालते हुए देखा है मैंने, चीटी पालते हुए पहली बार देख रहा हूँ, संभल के चीटियों को शुगर ना हो जाए। क्या कहा? उधर चल के देखो, 2 lakhs बिजनेस वेटिंग। अगर तुमने हाँ बोल दिया तो इन चीटियों को बिरयानी खिला सकती हो। ये लोग यहाँ क्यों आए पापा? कुछ नहीं बेटी, सेलफोन टावर के बारे में बात करने आए हैं। तहसीलदार को बीच रास्ते में रोक कर लफड़ा करने वाले लोग गाँव की भलाई के बारे में बात कर रहे हैं और आप इनकी बातें क्या सुन रहे हैं पापा? बेटी गांव की भलाई के लिए थोड़ी सी जमीन देना कोई गलत नहीं है। पापा आप जिस गांव की भलाई के बारे में सोच रहे हैं उसी गांव की भलाई के बारे में मैं भी बात कर रही हूँ। आसपास के गांव में जो बात नहीं है वो हमारे गांव में है। क्या हम यहाँ पे रह रहे हैं वो? तुम लोग जैसा कह रहे हो अगर वैसा सेलफोन टावर लगाएंगे तो हमारे गाँव में जो पशु पक्षी है, चिड़िया, बुलबुल, गोरैया, बगुला, कोयल, बतख, राम चिड़ैया, मैना, बटेर, तोता, कठफोड़ा, सारे पक्षी उस रेडिएशन से मर जाएंगे। ये अच्छा आइडिया नहीं है पापा। क्या यार, होटल की वेटर की तरह डिश का नाम बता रही है। अरे यार ये टावर के लिए जमीन नहीं देगी तो चलेगा, लेकिन अगर ये ऐसे चिड़ियों का नाम गिनाएगी तो मैं यहाँ से निकल लूंगा। चल चलते हैं। एक काम करो, तुम लोग पैदल आ जाओ। पापा टावर नहीं होगा तो फोन पर बात नहीं हो सकेगी, लेकिन अच्छी जिंदगी तो जिएंगे। आज 12 बजे एक खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, ऐसा ज्योतिष ने फोन करके बोला है नेताजी। क्यों, क्या हुआ? नयन तारा मुझसे मिलने आ रही है क्या? अपने नेताजी भी अपने दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं क्या? दिल में जहर भरा हुआ और चेहरे पे कितनी शराफत, दोगला इंसान है। नमस्ते नेताजी। आइए 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 आइए, इन पे ध्यान दिए बिना मैं बेकार ही इस अखबार को पढ़ता जा रहा हूँ। चेयर लेके आओ ना, आप यहाँ बैठिए। नेताजी आपने कुर्सी गंगा को बहुत पसंद है, ये देखो इसको। नेताजी के घर पे अगर मैं जमीन पे भी बैठा तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पता है पता है। नेताजी पार्टी के लोग मेरे बारे में गलत सलत बोलते हैं, उनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, उन्हें नजरअंदाज कीजिए। हाँ हाँ पता है पता है, तेरी नजर कैसी है सब पता है। सुन ये बात तो किसी और को सुनाना समझे। नेताजी क्या है ये, पार्टी अध्यक्ष के सामने मेरी शिकायत की वो काफी नहीं थी जो अब ये दे रहा तू? नेताजी को जाल में फंसा लिया। क्या है ये, पिटीशन के ऊपर पिटीशन तू दे रहा है, मेरे कार्यकर्ता बोल रहे हैं।
मैंने तो बस तुझसे पूछा ही था ना। ऐसा नहीं है नेता जी। तुझे इस पद पे लेकर मैं आया हूँ। क्या तू मेरी जात वाला या रिश्तेदार था? तू ईमानदार था। मैंने वो विश्वास किसी और में नहीं तुम में देखा। उसमें से अगर 1% भी कम होता है तो शक करना आम बात है। इसके लिए तो अपने पद से इस्तीफा देगा क्या? मेरी वफादारी को दिखाने के लिए मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। छोड़ छोड़ छोड़, तू आदमी है रे। इंडस्ट्रियल बिजनेस के लिए हम लोन नहीं दे पा रहे हैं और आप नर्सरी के लिए लोन मांग रहे हैं। लोन लेने के लिए तो सरकार खुद बोलती है, आप जैसे ऑफिसर क्यों हम लोगों के पेट पे लात मारते हैं? सरकारी पैसा है तो क्या हम किसी को भी उठा कर दे दें? आप मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा। अच्छा ये बताइए, जो किसान कर्ज लेते हैं वो कभी चुकाते हैं क्या? हाँ देखिए, मैंने फैसला किया है कि किसी भी व्यक्ति को खेती बाड़ी के लिए लोन नहीं दूंगा। तो क्या आज के बाद हम लोग खाना खाना छोड़ दें? पापा, आप लोगों को प्रवचन देने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। प्लीज वहाँ देखिए, वहाँ पर बहुत सारी लोन की फाइल्स पड़ी हुई है। आप पर विश्वास करके मैं लोन नहीं दे सकता। अगर कोई सही गारंटर है तो लेकर आइए, फिर लोन के बारे में सोचूंगा। एक तो लोन मांगने आए हैं, ऊपर से अकड़ देखो इनकी। जो करोड़ों मांगते हैं उन्हें इज्जत देते हैं और हम किसानों को बेइज्जत करते हैं। आइए सर। ये लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं सर? लोन के लिए। ये कुछ नर्सरी डेवलप करना चाहती है। सिक्योरिटी के लिए इनके पास कोई गारंटर नहीं है, तो मैं इन्हें लोन कैसे दे सकता हूँ? सरकारी पैसा है तो हम उठाकर किसी को भी दे देंगे क्या? सर जो बोल रहा हूँ उसका बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो किसान कर्ज लेते हैं वो कभी चुकाते हैं क्या? आज के बाद खेती बाड़ी के व्यवसाय के लिए कोई भी लोन लेने के लिए आएगा तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन सर वो क्या है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं लोन नहीं दूंगा। जीतना चाहते हैं और उस जीत को देखने के लिए जब वो नहीं होता तो वो जीत कोई मायने नहीं रखता। बेटी क्या जितने भी पेड़ पौधे हैं मैं उनमें अपनी माँ को देखती हूँ पापा, और वो भी हमें देख रहे हैं ना। सुबह सुबह फोन करके मुझे वाइन शॉप में बुला लिया। हे, आज मेरा जन्मदिन है बे। ओह, हैप्पी बर्थडे यार। तू 100 साल जिएगा। अरे यार दिल भर जाए, ऐसा नहीं, पेट भरने जैसा आशीर्वाद देना। अरे यार तेरा पॉकेट वहाँ नहीं है। अरे यार आज फाइनेंस बहुत ही कम है। कल तक तेरे पास 50 करोड़ थे क्या? इसमें भी काउंटिंग कर रहा है। सिर्फ 40 रुपए है यार। यहाँ भी रख सकता है ना, कोई गलत नहीं है। मेरे जन्मदिन में तू मुझे इतना सही देगा क्या? ये तेरे लिए ऐसा किसने बोला बे? ये तो मेरे लिए भी कम है बे। इतना छोटा तोहफा देकर तुझे बेइज्जत करूंगा क्या? लाइटली ये कटिंग पीकर तेरे लिए बड़ा क्या करूं ये सोच रहा हूँ। तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इस कटिंग में और कटिंग मत मांगना, इसे मैं खत्म करता हूँ। अरे अपनी कटिंग है मामा। इधर आओ ना। उसे क्यों बुला रहा है तू? ए, जो बची है वो भी पीकर चला जाएगा, इसीलिए तो बुला रहा हूँ ना। आइए ना मामा। ये लोग मुझे बुला रहे हैं, अच्छा टाइम देखकर तो निकला था मैं। क्या रे, सुबह सुबह कोई काम धंधा करने के बजाय यहाँ पर पीकर बैठे हो? तू ये गाँव कभी सुधरेगा नहीं। मामा हम लोग क्या डेली पीते हैं क्या? आज अपने जिंजर का जन्मदिन है इसलिए हमने पूरी की पूरी चढ़ा ली है। पता नहीं कैसी शराब थी, हमारा तो सर पकड़ लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद देखा तो ये कटिंग बच गया। मेरा दोस्त, मेरा जिगरे का जन्मदिन है, जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये तोहफा किसको? तू ये सोच रहा था कि मेरी नजरों के सामने आप साक्षात भगवान की तरह आके खड़े हो। मंदिर की कमेटी मीटिंग है, पूरा गाँव मेरा वहाँ पर इंतजार कर रहा है और तुम लोग शराब पीने के लिए कह रहे हो।
अरे पहले तुम लोग इंसान को इज्जत देना सीखो। आपकी क्या इज्जत होती है ये तो हम हर मेले में देखते हैं। मनोरंजन के समय में भी आपको आखिर में कुर्सी देकर बिठाते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मंदिर की कमेटी में बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं मामा। पिछले साल मनोरंजन के लिए 7,000 खर्च हुआ था, लेकिन हिसाब में 20,000 लिखे थे। अभिषेक के लिए खर्च हुआ था 3 लाख, मगर हिसाब में 4 लाख और कुछ चिल्लर लिख दिया। लेकिन आपने इसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। आप कैसे आवाज उठाओगे? 4 लोगों को देखकर आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। इस कटिंग को पियो मामा। 4 लोग क्या, 400 लोग भी आ जाएंगे ना, तभी आप सीना चौड़ा करके खड़े हो जाएंगे। मेरी आंखों के सामने तुम लोग पैदा हुए हो, मैं तुम्हारी दीवी शराब पीऊंगा क्या? मैं अपने भांजों को क्या इज्जत देता हूँ अभी देखो। देखना अबे। कटिंग दिया तो इतना सारा पैसा उड़ा रहा है, क्वार्टर लाकर दूंगा तो पूरा घर मेरे नाम कर देगा। कर देंगे। बैलेंस बैलेंस। जिंदगी में अगर तूने कुछ कमाया है तो वो यही है। आज ना नहीं चाहिए मामा। अभी हम लोगों को बहुत ओवर हो गया है, इससे ज्यादा अगर गया ना तो उल्टी गया। मुझे राक्षस बनने पे मजबूर मत कर, मेरा जन्मदिन इनके पैसे से मनाना लिखा है तो तू उसमें बाधा बन के उसे बिगाड़ मत भाई। अगर तू उल्टी करेगा तो मैं उसको साफ नहीं करूंगा। अगर वो करेगा तो वो भी उठा दूंगा। अरे भांजे, मेरे बारे में अपने बाप से पूछना कि मैं कैसा आदमी हूँ। भगवान, सारी मूर्तियां तोड़ दी। दलेश, दलेश। चाहिए चाहिए, मंदिर को पेंट करना है, पहले हिसाब आने तो फिर हिसाब आएगा। नीचे उतरो। अरे नीचे आओ, नीचे नीचे। उल्टी करेगा तो वो उठाएगा कहकर मेरे शर्ट में उल्टी करके चला गया कमीना कहीं का। हेयर यू, पंचायत वालों ने तुझे बुलाया, चलो। तूने उस विराय के घर में कढ़ाई चोरी की थी ना? क्या अच्छा आदमी है वो, कोई सुप्रीम कोर्ट है क्या जो उनको बुलाते ही चला जाओ? चलो जा, अभी बताता हूँ तुम लोगों को, पंचायत का अपमान कर रहे हो। अरेस्ट वारंट से ये तो डरता नहीं है, पंचायत से क्या डरेगा ये। हल्द्वानी में मीथेन के लिए जमीन हड़पी गई, ना कहीं पानी है ना बारिश की एक बूंद गिर रही है। ऐसे में किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं तो कृषि व्यवसाय का क्या होगा? मीथेन निकालना क्या शहद निकालने जैसा आसान है क्या? फसलों से लदी हुई हरियाली की चादर ओढ़ी हुई हमारी जमीनें बुलडोजर और बोरवेल की वजह से खोखली होती जा रही हैं। पेट्रोल और कोयले से भी ज्यादा खतरनाक है ये मीथेन गैस। ये 4-5 जिलों में भरी पड़ी है। इसे बाहर निकालने के लिए 6,000 फीट से ज्यादा गड्ढा करना पड़ता है। जमीन के अंदर से सारे पानी को पहले बाहर निकालना पड़ता है। उस जगह को भरने के लिए समुद्र का पानी अंदर आ जाता है और उसे भी बाहर निकाल कर बहुत सारा रसायन वगैरह है और उतनी गहराई में तेजी से उतर कर जमीन के सारे परत को उखाड़ कर जाता है और भयंकर तरीके से फटता है। उस रसायन और नमक के पानी को बाहर निकाल कर फेंकते हैं और फिर हमारी जमीन में जो पेड़ पौधे लगाए वो सब कुछ सूख कर नष्ट होकर शमशान में बदल जाता है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके अगर हम मंदिर में जाके उसके मलाई के लिए मन्नत मांगे तो कभी वो पूरी होगी क्या? कभी नहीं, सब कुछ तहस नहस बर्बाद हो जाएगा। पूरे गांव को जो अन्न देती है वो जमीन एक दिन नमक का ढेर हो जाएगी। कर्ज लेके खेती बाड़ी करता हूँ। उस दिन वो बैंक मैनेजर कितनी बेइज्जती किया पता है? यहाँ तक कि रियल इस्टेट और फैक्ट्री वालों को जमीन बेचकर कर्ज चुकाएंगे क्या? जी साहब, जी साहब। अनाज खाने के बजाय पता नहीं क्या खाएंगे। हाँ यार, चाय पी लेते हैं, बहुत दिमाग खराब हो रहा है, सिर में दर्द। एक चाय दो ना। नागपट्टनम में एक किसान की भूख से मौत हो गई। किसान लोग नारेबाजी करके रोड जाम कर रहे हैं। अरे इन किसानों के पास कोई काम नहीं होता है, ना ही पेपर वालों के पास कोई काम होता है। भूख से बहुत। हर महीने 20 किलो चावल देती है, वो लेकर खाना चाहिए ना। भूख से क्यों मर रहे हैं? अपनी मनमानी करते हैं और उसके बाद नारेबाजी और चक्का जाम करते रहते हैं।
मेरा शर्ट क्यों पकड़ा तुमने? ए, तेरी शर्ट पकड़ने से तुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है और ना ही तू कल मरने वाला है, लेकिन इतने लोगों के सामने जो तेरी शर्ट पकड़ी है ना उसी बेइज्जती से तू मर जाएगा और यही मेरा वादा है। जिसके पास खाना नहीं है वो अगर मरते तो उसको भूखमरी नहीं कहते, जो चार लोगों को खाना नहीं खिला पा रहा ये सोचकर जो मरता है उसको भूख की मौत कहते हैं। तुझे अफसोस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें नीचा दिखाकर बात मत कर, अच्छा नहीं लगता। तेरे बराबर मैंने पढ़ाई की है समझा, MSc गोल्ड मेडलिस्ट। कृषि को छोड़कर मैं कोई और व्यवसाय नहीं करूंगा ये मैंने फैसला किया है। पैसे दोगे तो चावल मिलेगा, इसी बात की घमंड में तू ऐसा बोल रहा है ना? कल जो मरा ना पास के गांव में, उस किसान के पास 15 एकड़ की जमीन थी, अगर वो अपनी जमीन रियल एस्टेट जैसे लोगों को बेचता तो वो जिंदगी भर बैठकर खा सकता था, लेकिन इसके लिए खाना नहीं दे पा रहा हूं इसलिए वो बेचारा सो गया। चल जा। एक वक्त का खाना खाने के लिए मेहनत करने वाले उस किसान के पेट पे इन्होंने लात मारना शुरू कर दिया है। हर चीज की हद होती है, अब जो उगाएगा वही कीमत बताएगा। हे, कहाँ है वो? बताओ कहाँ है वो? क्या करके आया है पता है? अरे ऐसा क्या किया है? तेरे लाडले ने जो काम किया है उसके लिए उसे अवार्ड देने वाले हैं, जाकर लेने के लिए बोलो। अच्छा बेटा, तूने बताया नहीं मुझे। हे, पूरा गांव थू थू कर रहा है और तुम अनजान बनने का नाटक कर रही हो, उसे जाने के लिए बोलो। अरे आप भी ना, उन लोगों ने कुछ किया होगा और इसका नाम ले लिया है, आप बिना जाने ऐसे कैसे कह सकते हैं? इसी तरह हमेशा सपोर्ट कर करके इतना बड़ा करने के बाद इसे गांव को दान कर दिया है क्या? सुनो, अब ये एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकता है, इसे जाने के लिए बोलो। ये क्या कह रहे हैं आप? गांव वालों के डर से मेरे पोते को जाने के लिए कह रहा है? क्या तुम्हारे पोते ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है? बोलो उसे निकल जाए। सुनिए आप, इस नालायक के होते हुए मैं कैसे सीट मांग सकता हूँ? सुन बेटा मेरी बात तो सुन। बेटा उसने जो भी कहा उसे दिल पर मत लेना, ये सब लोग तेरी बात नहीं समझेंगे, सब डरपोक है बेटा, कुछ भी घबराना मत, हम तेरे साथ हैं। अरे इनकी बातें छोड़िए, आप क्या करते हैं ये बताइए। अंकल मैं बताता हूँ, इसने गांव की सारी मुसीबतों का ठेका लेकर रखा है। अंकल मैं बाहर हूँ। तू उसका बाप है, ऐसे बातें करते हैं क्या? हर तरफ इसने समस्या खड़ी की हुई है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मदुरई में मैं और तू एक साथ पढ़े थे, एक बार जब तू मेरे गांव में आया था तो याद है मेरा कितना मान बढ़ा था? ये कैसा न्याय है? दूल्हे के घर पर दुल्हन जाती है, ना कि दुल्हन के घर पर दूल्हा। एक पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह जब लगाते हैं तब उस पेड़ को खड़ा होने में 4 से 5 महीने लगते हैं, और एक लड़की को ससुराल भेजकर अगले ही दिन पूरे परिवार को समझाकर घर जाने के लिए बोलोगे तो कैसे होगा? उस दूल्हे को 1 महीना दुल्हन के घर पर रहने के लिए बोलो, तभी ससुर से कैसे बर्ताव करना है, सास के साथ कैसे बात करनी है, साली के साथ कैसे व्यवहार करना है, भूख लगने पर किससे मांगना है, जब तड़पेगा तब समझ में आएगा एक लड़की का दर्द। उस दिन तुमने जो फैसला सुनाया था वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है, वो सच में बहुत बढ़िया फैसला था। दिवाकर अब पंचायत में क्या होता है पता है तुम्हें? तेरी कोई इज्जत नहीं है, तू हाथ जोड़कर खड़ा था, ये क्या बोल रहा है? हे, अब ज्यादा इफेक्ट मत दे, इस तरह पंचायत वगैरह की मुझे आदत सी हो गई है। इलेक्शन की तारीख घोषणा होने वाली है और इसीलिए मैं इसे तेरे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं। तू क्या करेगा क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इलेक्शन तक इसको यहीं पर रख, अब इसकी जिम्मेदारी तेरी है। उसे शेर की तरह बदलता हूं मैं। हे, अरे ये तो पहले से ही शेर है, शेर की तरह बदलेगा शेर की तरह, तू इसे इंसान बनाकर दिखा। आज मैं इस बात से दुखी हूँ कि मैं अपने बेटे को छोड़कर आया हूँ और तुम यहाँ पकवान बनाकर खुश हो। हमारा बेटा कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, हमें उससे क्या, हमारे लिए तो गांव वाले जरूरी हैं। पता नहीं मेरे बेटे ने कुछ खाया होगा कि नहीं, और मेरे लिए यहाँ कई तरह का खाना है। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप खाना खा लीजिए। घर के अंदर घुसते ही मेरे बारे में सोच कर रोएंगे, मैंने बोला था ना, तुम्ही तो कह रही थी ना कि नहीं नहीं मेरा पति कठोर दिल का मन कर रहेगा, मुझसे 500 रुपए की बेट भी लगाई थी। चलो निकालो 500 रुपए। ये जो रोए ना उसके लिए 5000 की बेट एकदम सही रहती। यहाँ क्या चल रहा है? यस। आप अपनी खटारा गाड़ी में घर तक पहुँचे उससे पहले मेरा बेटा ही घर आ गया, ये ले। माँ अभी इनको रोने के लिए मत बोलो, लग रहा है कि शिवाजी गणेश सीरियल में ये काम कर रहे हैं। मेरा पोता तो पुलियोर प्रतियोगिता में जाने वाला था ना, उसने कहा था कि कब जीत कर आऊंगा। हाँ माँ मैं वही तो जा रहा हूँ। इस मैच में भी मुझे पैवेलियन में बिठा दिया इसने। उसने बोल दिया, लेकिन तेरा दिमाग कहाँ गया था रे? क्या मन में मुझे गाली दे रहा है क्या? ए, मैं अपने आप को गाली दे रहा हूँ? ऐसा है क्या? यार, चल दे दे। मैंने तुझसे बोला था कि उसे ओवर मत दे यार, तू समझता नहीं है। सही बात। अरे ए, यारियो तूने सिर्फ मैच जीता है भाई,
पूरे गांव को नींचित किया है कि ऐसे फैल करके बैठा हुआ है। इतना फैला के बैठा हूँ क्या? अरे भाई सॉरी है बॉस। सॉरी क्या बे? सॉरी बोलने सब ठीक हो जाएगा क्या? ब्लाउज भी मांगेगा क्या? अरे यार इसको क्या चाहिए इसे पूछ कर भेज। अभी मैं फाइट के मूड में नहीं हूँ, हर वक्त सीना चौड़ा करके रहूंगा क्या? अभी फिलहाल के लिए नशा। ये सॉरी बोल रहा यही बात है, अभी जाओ बॉस। तू उसकी तरफ से बात कर रहा है? वो कोई राजा जो ऐसे घमंड से बैठा है क्या? मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ? बेवकूफ़ है क्या? मैं तेरे लिए बात कर रहा हूँ। वो नॉर्मल रहता है तो तांडव करता हूँ, नशे में इसलिए चुप हूँ। मेरी बात सुनो, जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जाओ ना, धक्का मत दे, बोला ना धक्का मत दे, हैं? चर्बी आ गई। अरे माँ, और कितने सालों तक इसके हाथों से मार खाएंगे पता नहीं। जो कब जीता उसी से मार दिया। बहुत दर्द हो रहा है, किस तरफ से खोपड़ी में मारा पता नहीं चल रहा है। पहले ही बोल रहा था, किसी ने सुनी नहीं मेरी बात। मिल गया ना मजा, हा? 20 सालों से मैं इसके साथ हूँ, तुम्हारा आदमी समझकर मुझे मार दिया। जाओ रे जाओ, तुम लोगों को सिर्फ मार के छोड़ दिया, लेकिन मेरे साथ क्या है? सुबह सर में चोट देखता है तो क्या यार, सर पे चोट कैसे लगी पूछ कर मुझे इरिटेट करता है। आए भगवान, कहीं से जिंजर की आवाज सुनाई दे रही है। ए, हम लोगों को तूने मारा है ना, 1 घंटे के अंदर तुझे अंदर नहीं डाला ना, तो मेरा नाम भी रॉकी नहीं। पोलियो और गोरा है क्या? स्टेशन जाना मेरे लिए राशन की दुकान में जाने की तरह है। सर उसने कोल्ड ड्रिंक दिया था, उसे पीने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया सर। पहले तो इस कोल्ड ड्रिंक को बंद करना होगा, तब जाके ये बलात्कार कम होंगे। एमएलए का प्रेशर है सर, इसलिए पेटी केस डालकर बैठाया है। सुनो मैं आ गया हूँ। नेताजी धोकर सुखा दिया मुझे। ये क्या, तुम लोग विपक्षी पार्टी के हो क्या? सामने वाले को कमजोर समझते हो? अगर उसको 5 वोट और मिलता तो वो काउंसलर होता, और तुम लोग हो कि अरे कछुआ नहीं जलाया क्या, मच्छर बहुत काट रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर उसने कोई गलती की है तो उसे कोर्ट में लेकर जाओ, ये करने की जगह उसे चड्डी में यहाँ पर बिठा कर रखे हो। ये अधिकार तुम्हें किसने दिया बताओ? ऐसा बस सोचना तुमसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, हमें भी लॉ पता है। अपने आप को बंदी बनाकर मुझे आजाद करने वाले नेताजी, आप 100 साल जियोगे। अच्छी पुलिस स्टेशन में धुआं छोड़कर जा रहा है। गुड इवनिंग सर। अरे क्या ढूंढ रहा है? अरे रे, शराब पीते ही लोगों को फोन करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं आज कौन फंसने वाला है। हेलो, अब इंस्पेक्टर सर हैं क्या? सर मैं ऑन्ड्रियन का बेटा अरिवलगन बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर को क्यों फोन लगा दिया? सर जैसे कि आप यहाँ जब ट्रांसफर होकर आए तभी मैं आपसे मिलकर आपको गुलदस्ता देने की सोच रहा था, लेकिन काम से फुर्सत कहाँ मिलती है सर। झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो जाए तो इससे भी बड़ा कप जीत सकता है ये। नहीं कुछ नहीं सर, ये पालतू जीव है, और सर यहाँ बार में एक लफड़ा हो गया। जैसे ही बात कर रहे थे उन लोगों ने जीव पर हाथ उठा दिया। अब एक कमीने, एक मिनट सर, मार खाए मेरे फ्रेंड से बात करके सच्चाई क्या है आप जान लीजिए। नहीं बात कर, अरे बात कर, अरे घर जा, क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, सिद्धि मारूंगा तुझे, बात कर। सर साहब नमस्ते। हाँ साहब, गुंडा कहीं का? हाँ हाँ, वो गुंडे थे सर, देखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे साहब। कुल 4-5 लोग थे साहब, भागते भागते हमारे पास आए और जानलेवा हमला कर दिया साहब। सही बोल रहा हूँ साहब, आप है ना? हाँ साहब, हाँ, सारे सेक्शन उनके ऊपर डाल के उन्हें अंदर कर दो साहब। मेरा नाम कार मेगन है साहब। अरे प्रेसिडेंट का नाम बता दिया मैंने। कंप्लेंट लेकर वहाँ पर आएंगे सर, उनकी हड्डी पसली करके उनको भेज दीजिए। और एक जरूरी बात, ये मामला मेरे पापा को नहीं पता चलना चाहिए। क्यों, क्या है? वो ऐसा नहीं पूछते, मेरे बेटे से इंक्वायरी की है इस गुस्से में। आपको रामनाथपुर एरिया में ट्रांसफर करवा कर दूसरा काम करेंगे, बहुत गुस्से वाले हैं वो। मुझे लगा था हमने जो कारनामा किया है। थोड़ी देर के लिए हम करके मत बोलना भाई, मैं बोलना है। ठीक है, मैंने जो कारनामा किया है उसके बाद ये अरियू कौन है, ये इंक्वायरी उस पुलिस वाले ने शुरू की होगी, इसलिए ये मूर्ति दौड़कर लाइन पर आ रहे। देख, अरे नमस्ते भाई। नमस्ते यार, तेल ले ले, तुझे थोड़ी भी अकल है? इंस्पेक्टर ने तुम्हारे पापा की हड्डी पसली एक कर दी है।
निकालकर उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था कि उसी वक्त तुझे फोन करना था मुझे। अरे यार कुछ गड़बड़ मत कर देना, ये पुलिस का मामला है। ये मेरे पापा का मामला है, उसको मेन रोड से आने के लिए बोल। ए, कौन है रे, गाड़ी बीच में खड़ा करके रखा है? तू आ गया बेटा, मार मार दो रे इसको। तूने मेरे बाप को अंदर बिठा कर रखा, उनको चार लोगों ने देखा होगा, तुझे बाहर बांध कर रखूंगा, पूरा गांव तुझे देखेगा। अगर मैं इसको मारूंगा ना तो इसका सिर फोड़ दूंगा, इसको जान से मार दूंगा, ये इसी लायक है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मार इसको। तुझे स्टार चाहिए था ना, ये ले, आज के बाद से तू ही है सुप्रीम स्टार और इसके बाद तू सुपर स्टार। चल छोड़ूंगा नहीं इसको, मार डालूंगा, तू जा यहां से, चल चल अभी आता हूं मैं, चल ना चल ना यहां से, अरे चल। अरे यार मेरी यार मुसीबत आए तो अपना रूल है, भाग जाना, अब या तो तू बच या फिर मैं बचता हूँ। तो मैं निकलता हूँ। तो ठीक है, तू राइट में जा। थैंक यू यार, देख मेरी फिक्र मत करना, भाग जा। पकड़ लीजिए सर। जब उसने राइट बोला तभी मैं समझ गया कि कुछ तो कुछ रॉन्ग है, अगर मैं अपने दिमाग से चलता तो 4 किलोमीटर आगे होता। इस हालत में वो कैसे भाग रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता। आप लोग यहाँ बैठो, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। ये क्या, हमारे गांव में इतनी सारी पुलिस? बारिश बहुत हो रही है, अब सारा पानी बाहर निकालना होगा। तुम मेरे मोटर रूम में क्या कर रहे हो? हाँ? अरे पुलिस मेरा पीछा कर रही है, थोड़ी देर में चला जाऊंगा। ओह तो पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है? अरे अपना मुंह बंद करना प्लीज, तुम्हें तो फंसाना ही चाहिए, लेकिन क्या करो, तुम हमारे गांव के हो ना, इसलिए हेल्प कर रही हूँ। दरवाजा बंद करो। तू अंदर ही रह, पुलिस के जाने के बाद बताती हूँ। अरे अंदर फैन तो है ना? हाँ, फैन चाहिए, तेरा बाप मुझे करंट नहीं देता है, पुलिस वालों से पंगा ले रहा है ना, जो कभी बताती है। अंदर है। ए, आओ इधर। अब देख। हाँ, कहाँ पर है वो? सर सर वो अंदर है। चाबी चाबी दो। ये लीजिए सर। आज तू गया रे, उसे पकड़ते ही एनकाउंटर कर देंगे ना। क्या कहा, एनकाउंटर? क्या सर आप भी ना, मैंने सोचा था उसे पकड़ कर आप एनकाउंटर कर देंगे और फिर उसके बाद अपने हाथ को इस तरह ब्लेड से काट कर टीवी में इंटरव्यू देंगे, लेकिन आप भी ना सर। इंटरव्यू ना अभी दे देते हैं। है? क्या रे इधर तो कोई भी नहीं है, क्योरी हम लोग जोकर दिख रहे हैं क्या? नहीं सर, सच में वो यही पर था सर, मैंने उसे बंद किया। एक नंबर की पागल लग रही हो। बिल्कुल पागल है। बदमाश कहीं का छत तोड़कर भाग गया, कैसे चढ़ा होगा, कैसे उतरा होगा, छतों में क्या आवाज भी नहीं है, बड़ा बदमाश है। क्या मेरा सगा भाई भी मुझसे कहेगा कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो उस पर विश्वास नहीं करूंगा और तुम पर करूंगा क्या? मुझे बचाने के चक्कर में तू पुलिस को बुलाएगी? तो फिर मैं क्या करूं? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पुलिस में फंसाना चाहती है? मैं किसी शरीफ इंसान को नहीं फंसा रही थी, तू तो एक नंबर का लफंगा है। अच्छा मैं लफंगा हूँ? तो तू काली माता है, ये खींच के दूंगा ना तुझे। हाथ उठाना मत मुझ पर, समझाना? लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक ना तेरे थोबड़े का नक्शा बदल जाता। क्या बोला तूने? देखा देखा, काली माता है, कंफर्म कर रही है तू, कंफर्म कर रही है कि तू काली माता कह रहा है मुझे। तूने मुझे धक्का क्यों दिया? हाँ लड़की सोचकर रहम कर रहा था, अभी दिखाती हूँ तुझे लड़की क्या होती है। अरे मजाक मत कर, जल्दी से रस्सी नीचे फेंक। रस्सी ना, अभी पुलिस को बुलाती हूँ, वो लोग रस्सी लेकर आएंगे। अरे सॉरी यार। तुम पुलिस के पास मत जाना, मेरी बात मानो, सुनो तो। चलिए चलिए, देखिए सर वो यहाँ पर है जिसे आप ढूंढ रहे थे, से इसे पकड़ लीजिए। अरे भाई तू यहाँ पर क्यों नहा रहा है? अरे यार अच्छा हुआ तू आ गया, अब जल्दी से रस्सी को फेंक रहे। अरे रुक यार, कहाँ कुएं में गिर गया तू? इस लफंगे ने पुलिस से भी सेटिंग करके रखी है। ले ले पकड़। भाई
सुपर यार। ए ए संभाल कर, कितना भजन है वहां होने के चक्कर में मुझे अंदर मत कर देना, संभाल कर। एक बदमाश को बचा रहे हो, कैसे पुलिस वाले हो तुम? तुझे ये ऐसे बाद में मारना, पहले यहां से बचने का रास्ता देख। इंस्पेक्टर तेरे ऊपर कितना गुस्सा है पता है ना, इसलिए बोलता हूँ कोई लफड़ा मत कर। ए, खर्चे के लिए पैसे है ना? नहीं है। रुक, ये ले, रख ले। थैंक्स यार। मुझे बावड़ी में धकेला, तुझे वापस आके बताता हूँ। फिर से शुरू हो गया, चल जा। मेरा बेटा कुछ नहीं किया। तूने बोला था अपनी जिंदगी उलट कर रख देगा, लेकिन ऐसे उल्टे का पता नहीं था। मुझे नीचे उतार सर, मेरे फेफड़े मेरे मुंह में आ जा रहे हैं। अरे नालायक लोग, ये पुलिस स्टेशन है या नाक का मंदिर है? यहाँ हम लोग भूखे मर रहे हैं, तुम सांप को दूध पिला रहे हो। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, सांप को बात कर रखे हो तुम लोगों को तो। है अगर एक बार और मारा ना तो सांप सांप को बता दूंगा कि तुम मेरे आदमी हो, समझ गए? चुप हो जाओ, मैं मार रहा हूँ इसलिए तुम लोग अब तक जिंदा हो, अगर वो मारेगा ना तो तुम सब मर जाओगे। क्या अब देख इस नाग देवी का कमाल। साहब लगता है इसके ऊपर नाग देवी आ गई है। साहब अब देवी इसकी रक्षा करेंगे। साहब देवी आई है क्या? अभी उतारता हूँ। साहब मेरे ऊपर नहीं, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ। क्या सर, इसके पहले रद्दी की दुकान में काम करते थे क्या? भांजे आजा 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 आजा। नमस्ते मामा। तुझसे मिले कितने दिन हो गए बेटा, है कैसा है तू? मैं तो अच्छा हूँ मामा। इसे कहते हैं पढ़ा लिखा। सही कहा। तेरा बाप किसी फंक्शन में भी मुझे देखता है तो पार्टी के भेदभाव की वजह से मुझसे बिना बात किए चला जाता है, लेकिन भांजे तू इस गांव में जब भी गुजरता है घर में आए बिना नहीं रहता। अरे वो छोड़िए ना मामा, अब इस तरह के रिश्ते तो निभाने ही चाहिए ना। आओ बेटा आओ, माँ कैसी है? अच्छी है मम्मी। भांजे के लिए कॉफी लेकर आओ ना। हाँ ठीक है जी। भांजे तू खाना खा के जाना, मैं पार्टी के लोगों से मिलकर आता हूँ। ठीक है मामा। हेलो, हाँ मैं अरियू बोल रहा हूँ। आप जिसे कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हो ना, मैं वही अरियू बोल रहा हूँ। अरे मैं तुझे इधर उधर क्यों ढूंढूंगा रे, जिसे मैंने उल्टा लटकाया है ना उसे देखने के लिए तू खुद ब खुद आएगा। ए, तेरी चीख सुनकर तेरा साथी खुद ब खुद यहाँ आना चाहिए। ये ले बात कर। सगे मेरा फोन नहीं है। ए, तेरा फ्रेंड बात कर रहा है। अरे यार ये लोग तो तेल लगा के मार रहे हैं यार। दोस्त के जन्मदिन में नहीं आएगा चलेगा, मेरी शादी में नहीं आएगा चलेगा, लेकिन मातम में जरूर आना यार, बचाने के लिए आ जा। चोट लगेगी तभी तो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। चोट लगेगी तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लगातार लगेगी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। जल्दी से आ जा। कितनी बात करेगा। अरे सुन ली अपने दोस्तों की बात तूने? हाँ सुन ली। दोस्त मुसीबत में हो तो उसे बचाने के लिए इश्क का आमिर खान समझ के रखा है क्या मुझे? अरे जब चांस मिले तो मैं खुद ही उन लोगों को धोखा देना चाहता था, और मैं जो करना चाहता था वो काम आपने यूनिफॉर्म पहनकर कर लिया। क्या कहा? अरे जाने दीजिए सर, हाँ आप मेरा कैरेक्टर समझ ही नहीं पा रहे हो, लेकिन आपकी हिस्ट्री मुझे अच्छे से पता है। आपका जन्म नलय जिले में हुआ, आपने पोस्टिंग ली दिंडीगल जिले में, मिट्टी के केस में फंस कर मदुरई में, और मंत्री के पास फंस कर तेनी जिला, इलेक्शन के लिए करूर जिला, कलेक्शन के लिए कडलूर जिला, ऐसे 10-15 जिले पार करके अपनी जिंदगी के बुढ़ापे में यहाँ पर आए हो तंजावुर जिले में। सुनो सर, अब तक जो दूसरे जिले में खेल खेला है ना वो यहाँ पर खेल पाओगे, इस गलत फहमी में मत रहना, वरना मिट्टी से पिछवाड़ा बंद कर देंगे। क्या? ये जिला तेरा है? डॉन समझ लिया क्या आपने आपको? सर क्या हुआ, माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? हाँ? आपका प्रेशर बढ़ गया क्या? दिल की धड़कन क्यों तेज हो रही है? हाँ? एक काम करो पहले पानी पी लो। हाँ? अरे पियो ना सर। और प्रेशर में अगर आप मर गए तो अरियू ने फोन पर मार डाला, इसके लिए अलग सेक्शन डालोगे क्या? थोड़ा रिलैक्स कीजिए सर, 5 मिनट बाद वापस फोन करता हूँ। छी, मैं इसकी बात क्यों सुन रहा हूँ? दो पैर ही है ना। चुपचाप बैठ जाओ। क्या भांजे गांव में चर्चा ये सुनने में आया है? एक छोटी सी समस्या है। अरे क्या समस्या है बताओ ना, मैं अभी झटके में सॉल्व कर दूंगा। प्रॉब्लम मेरा नहीं है मामा। हाँ। आपका है? मेरा? अपने गाँव में जो नया इंस्पेक्टर आया हुआ है ना, वो खुद थोड़ी आया है, हम लोग उसे लेकर आए हैं। अरे हम लोगों ने भी तो यही सोचा था मामा, लेकिन आपका नाम लेते ही वो हमारे पीछे पड़ गया। ऐसा नहीं हो सकता भांजे, वो अपना आदमी है। मैं बोलूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा ना, आप खुद सुन लीजिए। हेलो सर। हाँ मैं अरियू बात कर रहा हूँ, वो मैंने उस बारे में अगर तूने दोबारा उसके बारे में बोला ना तो
तो मैं अपनी इंसानियत भूल जाऊंगा। मैंने अपने सर्विस में बहुत लोगों को देखा है। तू किस खेत की मूली है बे? चल ढूंढ रख। आपकी और इस तरह से बेइज्जती मैं अपने कानों से तो सुन भी नहीं सकता। चाहो तो आप सुन लो। ए? ये लो बेटा कॉफी। यहाँ पर आकर पैर में गिरने के बाद पुलिस स्टेशन में जाके चार्ज लिया था इसने, और अब वो मुझे ही गाली दे रहा है, है? अभी देखता हूँ। भांजे सीधा स्टेशन चलते हैं अब। एक घंटे में ट्रांसफर। भाई कमाल है तू भी। भाई अगर वो मुझ पर हाथ उठाता तो मैं खामोश रह जाता, लेकिन उसने तुम लोगों पर हाथ उठाया, मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? बॉस तूने कमाल कर दिया। बॉस ये लोग तो बहुत बड़े जालसाज हैं। मेरी सर्विस खत्म होने से पहले मैं इन लोगों को देख लूंगा। किसी भी गांव में जाओगे ना तो इंसानों से पंगा लोगे तो चलेगा, लेकिन राजनेताओं से कभी पंगा मत लेना। वरना काम से जाओगे। शांति का नाम दिख। अरे मुझसे कुछ और निकल गया, क्या था डालो? प्राकृतिक हवा, सुपर रूल, वन मोर, साफ सुथरी हवा और बहुत ही अच्छा वातावरण। बहुत डस्ट है यहाँ। खुदाई करने पर गुलाब छाता लेकर आओ। इस गांव का नाम भी कैसा है, फूलियूर करी। हे भगवान इस बार मुझे सीट दिला देना। अरे नमस्कार। अरे रे रे, ऐसे क्यों चला रहे हो जैसे ऊपर ही चढ़ा दोगे? हे प्रभु आप नेताजी का दिल बदल देना। सीट के सिलसिले में पापा दिल्ली जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। तुम लोगों को 5 साल में एक बार शहर में घूमने के लिए सारा पैसा हम ही खर्चा करें क्या? अरे नहीं बेटा, इस बार पक्का सीट मिल जाएगी। पिछली बार थोड़ी सी चूक हो गई थी इसलिए सीट नहीं मिल पाई थी। ज्यादा बोलो मत। एक छोटे बच्चे से भी पूछोगे ना तो वो बताएगा कि इनको सीट नहीं मिलेगी। जब 5वीं में पढ़ता था तब ये सीट लेने के लिए जा रहा हूँ कहकर निकले तो पूरा गांव उत्साह में पता था। है अब तो कॉलेज खत्म करके शादी की उम्र का हो गया हूँ। उसके लिए क्या कर सकते हैं? सीट अब तक नहीं मिली ना। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हर इलेक्शन में बेइज्जत होकर खड़े रहते हैं, यही अब तक मिला है। अपने स्वामी के बेटे की शादी में अपने नेताजी ने खुद वादा किया है। अरे बेवकूफ, अपने पुलियर गाँव में शूटिंग चल रही है और तू इन निकम्मों से बात कर रहा है। जिनसे बात करनी चाहिए उनसे छोड़कर भगवान से बात कर रहा है। इनकी बातें मुझे सुनाई नहीं दे रही। तू ना एक काम कर, इन्हें और ज्यादा देर तक खड़ा मत रहने दे, जल्दी से जल्दी कहीं भेज दे और तू पुलियर के लिए निकल जा। ओह ऐसा है क्या? मैंने जल्दबाजी करके डांट दिया क्या? अरे मंजू भाई, हाँ? जो जिस काम के लिए जाता है उसे रोकना नहीं चाहिए, इसलिए बहुत अच्छा सोच के जाना और सीट पक्का मिलेगी तभी इस घर में आना। हाँ। वरना क्या करना, मरीना बीच के पास एक बाकड़ा लगाकर वड़ा पाव बेचना। कला तुम जाओ जाकर गाड़ी में बैठो। नमस्ते माँ जी। ये क्या विभूति लगाने के लिए कहा था, पूरा पेंट लगा लिया है। अरे ये भी ना नास्तिक हो गया है। अरे अभी भी यही है क्या, चेन्नई जाएंगे तो सीट मिलेगी ना। चल चल बैठ जा, ज्यादा भाषण मत दे बेवड़ा। ऑयल बदल दिया है क्या? अरे आप पहले इस आदमी को बदलो, पहले इस गाड़ी को तो बदल। मैडम नमस्ते। तो देखो ये लोग जरूर कोई लफड़ा करने वाले हैं। ए, चला जा। हमारी हाँ। दीदी को लेकर आने वाले सारथी, तुम्हारा इस गांव में स्वागत है। स्वागत है भाई। ए, ये क्या कर रहे हैं? वो देखिए। ए, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? अरे भगवान। पार्टी को तुम्हारे बारे में अच्छी तरह पता है चंदन, देखा जाए तो सीट तुम्हें ही मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें एक समस्या है। क्या नेताजी? अगर पार्टी तुम्हें सीट देना भी चाहे तो किस्मत तुम्हारे साथ खेल खेल। क्या ये आप क्या बोल रहे हैं नेताजी? अनुभव के जरिए पार्टी को चलाना पहले का जमाना था, आजकल पार्टी चलती है फेसबुक या फिर ट्विटर से। हालात के साथ पार्टी को भी बदलना चाहिए चंदनम। हे भगवान। इस पार्टी के लिए नया खून शामिल करने के लिए किसी नौजवान को सीट देने का हमने फैसला किया है, वो भी आपके गाँव से। ये तो मेरे साथ अन्याय है नेताजी, इतने सारे वार्ड में से आपको सिर्फ मेरा ही गांव मिला था। इस तरह का सवाल जरूर कोई उठाएगा, इसलिए हमने पार्टी मीटिंग में 234 वार्ड सीट लिखकर 34 वार्ड ही चुना है। मुझे 40 साल के राजनीति का अनुभव है
और ये मैं आपसे आठवीं बार सीट मांग रहा हूँ। अगर इस बार भी मुझे सीट नहीं मिली ना तो मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं रहेगी। मैं खुद गर्जों की तरह बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचिएगा। सिर्फ ये सोचिए कि आप मुझे सीट दे सकते हैं या नहीं। भाई जरा शांत रहिए, पार्टी आपको सीट देने के बारे में सोच रही है। हो सकता है उस वार्ड में नहीं तो पास के पट्टुकोटे वार्ड में आपको दे दी जाएगी, लेकिन गठबंधन पार्टी ने उस वार्ड को ले लिया है। उनका ही फोन है। हेलो, आपके बारे में ही बात हो रही थी। चंदन जी को सीट मिल गई क्या? क्या चंदन जी को? ए हटना, अरे नए नेताजी आपको नहीं, पार्टी जिसे खड़ा कर रही है उसे जिता कर लाओ, तभी हमारी पार्टी को फायदा होगा। ये कैसा न्याय है? नहीं, अरे तुम यहाँ पार्टी के अलावा इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ईमानदार इंसान को जमी करा, ठीक है क्या? बोलो, आप चुप रहिए। 40 सालों से इस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, इनकी जगह आप किसी दूसरे नेता को कैसे इनकी सीट दे सकते हैं? इनका भी एक बेटा है जो नौजवान है, अगर सीट देना ही है तो उसको दे दीजिए। बताइए सीट देंगे क्या उसको? एक बार गाँव जाके देखिए, इनके बेटे के बारे में पूछिए, कितनी इज्जत है पता चलेगा। तेरी कोई इज्जत नहीं है, हमारे यहाँ आने वाली देवी प्रिया को तुम लोगों ने उठाया और मेरे दोस्त को भी मारा तुमने, तुझे माफी मांगनी पड़ेगी इसके लिए। वो इंसाफ के लिए हमेशा खड़ा रहता है। क्या बोला तूने? माफी मांगी है क्या? अबे तेरा ना ये सर फोड़ के रख दूंगा। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आप चाहे किसी को भी सीट दे दीजिए, ये चंदन दिन रात मेहनत करके उसे जिताएगा। अरे चंदन, तेरा एक जवान बेटा है, ये बात तो मुझे अभी पता चली। तूने 40 साल से जो इस पार्टी के लिए किया है उसके लिए हम तेरे बेटे को 22,000 सीट दे देंगे, और देना क्या है, तेरे बेटे की सीट ही तो है। अरे नहीं नेताजी, उसे राजनीति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप ये क्या बोल रहे हो? जब हमारे बच्चे LKG में होते हैं तो अपोजिशन वाले सीट ऑफर करते हैं, और जब सीट मिल रही है तो आप मना कर रहे हैं। आप चुप रहिए, आपकी ईमानदारी की वजह से हमारी पार्टी जीतेगी। जाओ जाकर अपने बेटे को जिता कर लेके आओ। इतने काफी है नेताजी। नेताजी खुशी से अपने बेटे को जिता कर ले आओ। फोन आ गया इसलिए तू मरने से बच गया। हाँ क्या हुआ मामा जी? भांजे। हाँ बोलो ना यार। वो आज हम लोग दिल्ली आए थे ना सीट के लिए, मिला कि नहीं? नहीं भांजे, इस बार भी पापा को सीट देने से इनकार कर दिया। ये बताने के लिए फोन किया क्या? ये तो मैं पहले से जानता था। ए, पहले माफी मांग, उसके बाद बात करना। अपना फोन जेब में डाल। भांजे बहुत आवाज आ रही है, मेरे सामने हजार काम पड़े हैं। और आप होगी मुझे बार बार फोन कर रहे हो। भांजे मेरी पूरी बात सुने बिना फोन मत काटना। तुम्हारे पापा को जो सीट मिलने वाली थी ना वो तुम्हें मिली है, पता है? मामा ये क्या बात कर रहे हो मामा? कुछ नहीं, ऐसे वो मैं फ्रेंड्स लोगों से बात कर रहा था। भांजे पार्टी के लोगों का फोन आएगा, फोन उठा लेना। अरे वो मामा, वो भूतपूर्व उनको समझा कर ले आओ ना मामा, फोन पर ज्यादा देर बात करने की जरूरत नहीं, टेप हो सकता है ना, जो भी होगा सामने सामने बात करें। क्या? बाकी सब कुछ मैं देख लेता हूँ मामा। कहीं चेन्नई में इसकी लड़की को तो नहीं देख लिया? लेकिन इसे अपनी लड़की देगा कौन? अभी तुम लोगों को क्या चाहिए, मुझसे माफी मांगनी है बस इतना ही ना? सिर्फ इस मामले को लेकर नहीं, सारे मामलों के लिए मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे अरे ये क्या? प्लीज। क्या यार? दोस्त तू तो अब MLA बनने वाला है, मुझे लगा तू हमें पार्टी देगा, पर तू तो हमें चाय पिलाने ले आया। चाय की दुकानी तो आज देश पर राज कर रही है। क्या बोले जिंजर, तू ही कुछ बोलना यार। चाय लीजिए। क्या बात है, आज अंदर घुसते ही इतनी इज्जत मिल रही है? कल तक इस ग्लास में पूरा गांव दिखता था, लेकिन आज एकदम गाढ़ा है, पानी नहीं मिला क्या इसमें? ऐसे धंधा करोगे तो कैसे गुजारा होगा? ये ले। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज के बाद ऐसा ही होगा। मुच्छा, मैं अपनी माँ से सूखा गोबर मांगता हूँ ना तो भी दौड़ा दौड़ा मारती है मुझे, लेकिन तूने ये चाय मुझे फ्री में कैसे दे दी बे? ये चाय नहीं है, पार्टी है। अरियो भाई को MLA की सीट मिल गई है ना, इसीलिए। सीट मिल गई तो इतना, अगर जीत गया तो पार्टी में जो मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी चली जाएगी। अब किसके भरोसे उन्होंने उसे सीट दिया है? देखो हम यहाँ आग पर चल रहे हैं और वो गाँव में आवारा गर्दी कर रहा होगा। भाई साहब उधर देखो क्या मस्त पोस्टर लगाया है। ए गड्डू, पूरे गांव में धूम मचा के रखी है। हाँ यार, पोस्टर तो धूम मचा रहा है। खुश नसीब लड़का है, भांजा के अंदर अभी से मंत्री वाली खुशी नजर आ रही है। अरे 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 अरे, मैं तो बेटे की तारीफ कर रहा था। आस पास की नजर, दूर की नजर, पास की नजर, गांव वालों की नजर, पड़ोसी की नजर, माँ बाप की नजर, सब की नजर उतर जाए, सारी नजर उतर जाए और सारे वोट मेरे पोते को मिले।
हो तिलक लगाओ ना। राजनीति में जो मुझे 40 साल तक नहीं मिला वो आज तुम्हें मिल गया है बेटा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू जरूर जीतेगा। अब यही बात जरा मुस्कुरा कर बोल दीजिए। जो मन में होगा ही नहीं वो बाहर कैसे आएगा, तू ही जीतेगा। नहीं नेताजी, उसे राजनीति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो चंदन के बेटे को पार्टी ने सीट दिया है। आपको उनके खिलाफ खड़े होने की जरूरत नहीं है। अपने घर का कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो 40,000 वोटों से जीतेगा। ना समझे वो। कहीं जाते समय टोकना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग शांति से जा रहे हैं। कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। कुंडली देखने जा रहा हूँ मैं। क्या नेताजी, कुंडली देखने के लिए तो मैं हूँ ना, बोलिए। तू सही बोल रहा है, अगर मैं तुझसे पूछूंगा तो तू मेरे हित में बोलेगा, इसलिए जो मुझे नहीं जानता मैं उसको अपनी कुंडली दिखाना चाहता हूँ। अरे यहाँ पर कुमुद नाम का स्वामी है ना एक। अरे आप स्वामी के पास जाओ या किसी बाबा के पास, कृषि मंत्री आप ही हो, ये लिखा है। सीट नहीं मिलेगी ये हो ही नहीं सकता। ये क्या, ये लंगोटधारी नंग धड़ंग बाबा आपका भाग्य बताएगा क्या? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इस कुंडली वाले को इलेक्शन में सीट मिलेगी या नहीं ये बताइए। मैंने जो बोला था अगर इसने वैसा नहीं बोला ना तो मेरा नाम बदल देना। इस इलेक्शन में क्या, इसे किसी भी इलेक्शन में कोई सीट नहीं मिलेगी, एकदम बकवास कुंडली है, हट। ए, उस दिन के बारे में सब कुछ उल्टा बोला फिर भी उसको दक्षिणा दे रहे। जो तेरे हाथ में है उसे उत्तर दिशा में फेंक दे। अरे वो कोई स्वामी था क्या, मुझे लगता है पागल खाने से बाहर आया हुआ है। ओपोजिशन वालों ने भी इतना बेइज्जत नहीं किया जितना उससे किया, उसने आपकी बेइज्जती की तो मेरा खून खोल उठा। अरे क्या हुआ, मुझे क्या पता। क्या हो गया आपको, क्या हो गया, क्या, क्या हो गया, अरे अरे क्या हो गया भाई आपको। अरे भाई सुनो, उस बाबा ने कुंडली को गाली देकर फेंका था ना, वो मेरी कुंडली नहीं थी, वो अपने कौवे गंगा धर्म की थी रे। शादी और शुभ कार्य के लिए अपनी कुंडली दिखाई जाती है, लेकिन राजनीति में आने के लिए ऑपोजिट वाले की कुंडली दिखाते हैं रे चटनी, समझा। कितना शानदार स्वागत हो रहा है। ऑल टीम असेंबली हो गई है, किस बात का इंतजार हो रहा है, आरती उतारो ना। जल्दी करो। अच्छा हुआ ब्लड डैमेज नहीं हुआ। गांव का सारा झाड़ू लगता है मेरे ही सर पे पड़ा है। ये क्या, शर्ट ब्लाउज जैसी दिखने लगी है। उस टी शर्ट का सिर्फ टी लटक रहा है, ये मुच्छड़ कैसे बच गया। यहाँ लिस्ट में एक काम दिख रहा है, अच्छा यहाँ है। इतना मार खाने के बाद भी हाथ से झोला नहीं छोड़ा इसने। अरे ज्यादा नाटक मत कर, हम लोगों को मारने और धोने के बाद तेरे शर्ट में सिर्फ हाथ पोछ कर गए हैं वो लोग। अच्छा वो हमारे घर का सारथी कहाँ है, अंडरग्राउंड हो गया क्या, उधर पड़ा है। इस गांव वालों की औरतों की इतनी हिम्मत कि तुझे मारा। इसने जो इतना सारा लफड़ा करके रखा है तो इसे मारेंगे नहीं तो क्या आरती उतारेंगे। और तुम लोग इसके भरोसे मुझे एक ही दिन में अकेला छोड़ दिया, मेरे साथ होना चाहिए था। अरे आपके साथ होते ना तो और मार खाते। यार मेरे तेरे लिए मार खाए उस बात का दुख नहीं है, लेकिन अगर तेरी जगह मैं किसी हीरोइन के लिए मार खाता तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। उन औरतों ने मुझे चप्पल से कहाँ कहाँ नहीं मारा है, मैं तुझे क्या बताऊँ, मेरा दिल दुख रहा है मेरे यार। तुमने जो मार खाई उसे सोचकर फील कर रहा है बेचारा, और आगे जो मिलने वाला है उस बारे में सोच रहा हूँ मैं।
मैं उसका पड़ोसी वादा करता हूँ, अगर उसे 10,000 वोट भी मिल गए ना तो मैं ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा। एक अधिकारी को जुलाब देकर उसने परेशान किया है, उसको उसका डिपॉजिट नहीं मिलेगा और ना मिलने दूंगा। दिन दहाड़े लड़की को उठाकर ले गए और ये देखते रहे, अब अगर ये वोट मांगने आया तो झाड़ू से मार मार के भगाएंगे इन्हें। अरे उसे वोट मांगने हमारे गांव में आने दे, फिर बताते हैं उसको। उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। बाप रे, हर गली में लफड़ा करके रखा है इसने। कौन है रे ये बूना? जिंजर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो सेल फोन टावर के मामले में उसने तेरी बेइज्जती की, फिर वो पुलिस के मामले में फंसाना, आज प्रचार में मारकर भगाना। ये पकड़, दूसरे मामले में तू शेर की तरह खड़ा हो जाता है, और इस लड़की के मामले में क्यों ठंडा पड़ गया है? कुछ करता क्यों नहीं? चुप रहो ना माँ। अरे रुक जा, तेरे सर पर तो। माँ जी, मुझे लगता है अब हमें इसकी शादी करा देनी चाहिए। बिना सोचे समझे इसको उगा कर चले गए। पापा, बड़े शरीफ बनकर वोट मांगने आए थे, हमने उन्हें भगा दिया। इस गाँव में इतना बदनाम है तो पार्लियामेंट में जाकर क्या कर लेगा? यहाँ की जमीन और यहाँ की जनता का क्या भरोसा? किसी का गिरेबान पकड़ के उसे झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन वो बहादुर है, हमारे जैसा नहीं है। वो लड़ना जानता है, वो किसी के भी खिलाफ खड़ा हो सकता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन वो एक किसान का बेटा है, ये वो जानता है। तुम्हें पता है एक दिन क्या हुआ? उससे किसी ने एक सवाल पूछा था, तुम्हें बताओ मैं क्या पूछा था? जिसके पास खाना नहीं है वो अगर मरते तो उसको भूखमरी नहीं कहते, जो चार लोगों को खाना नहीं खिला पा रहा ये सोचकर जो मरता है उसको भूख की मौत कहते हैं। बेटी, उसको ही पार्लियामेंट जाना चाहिए, जीतने के बाद कोने में जाके पार्लियामेंट में बैठने के बजाय हमारे लिए आवाज उठाने वाला एक आदमी चाहिए, और ये वो कर सकता है। पापा वो तुमने बहुत बेवकूफी का काम किया। इस पत्रिका में लिखा है कि सीट आपको ही मिलेगी, पत्रिका पढ़ी आपने? ऐसे अखबार तो हमारे नेताजी बाथरूम में पढ़ते हैं। अखबार वाले कुछ भी फालतू में लिखते रहते हैं, तो उधर ही साफ करके आना चाहिए ना। नेताजी, ऊपर से कॉल आया है। नमस्कार नेताजी। किस बारे में हो सकता है? क्या है? मैंने सुना तूने एक गांव से एक नए लड़के को खड़ा किया है, देख उसे हारना नहीं चाहिए। नेताजी, वो एक बेकार लड़का है, पूरे वार्ड में उसके दुश्मन भरे हुए हैं। तो मैं आंख बंद करके जीत जाऊंगा नेताजी। अरे तू सीनियर है, थोड़ा तो समझदारी से काम किया कर। हाँ, अरे वो एक नौजवान है और नौजवान लोग नौजवानों को ही वोट करते हैं, ना कि किसी बुड्ढे को। नेताजी, मैं आधे से ज्यादा काम पूरा कर चुका हूँ। अरे ये सब छोड़, राज्यसभा चुनाव आएगा ना तो मैं उसमें तुझे सीट दूंगा। तो फिर अपने वार्ड से? अरे वो अपना गंगाधर है ना, उसका बेटा, उसने IIT की पढ़ाई की है, मैंने उसको खड़ा किया है। क्या? उसको जिता कर लेके आ, तभी तुझे राज्यसभा की सीट मिलेगी। नेताजी, मेरी बात तो सुनो। मेरी शादी हुए 25 साल हो गए, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई, इस बात का मुझे कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन आज हो रहा है। किसान का बेटा, पापा को समझ में क्यों नहीं आ रहा? एक नंबर का लफंगा है, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ए कला, मेरा पोता अपने माँ बाप से बात नहीं करता, और ये पागल पेड़ पौधों से बात कर रही है। माँ जी चुप हो जाइए ना, अगर वो सुन लेगी तो। उस हीरो को उठा कर ले गया था, सबको पता है, फिर वो शरीफ कैसे हो सकता है? हाँ, एक हीरोइन को उठा कर ले गया, इसीलिए गाँव वाले उसे गलत समझ रहे हैं। वो तो बस इतना ही जानते है ना बेटी, लेकिन तू तो पढ़ी लिखी है, उनमें और तुझमें फर्क है। क्या सच्चाई है ये तो सिर्फ उस जंगल को ही पता है। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज नहीं बताइए प्लीज। नहीं देखिए, मुझे हाथ मत लगाइए प्लीज, डोंट टच मी। मेहरबानी करके तुम हमारे साथ कुछ मत करना। कोरी चमड़ी और दांत दिखाकर हमारी जमीन को टुकड़ों में बेचने वाली तुम कौन होती हो? आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। चावल किस पेड़ पर उगता है ये पूछने वाले तुम जैसे लोगों को हमारा दर्द समझ में आएगा ही नहीं। तुम लोगों को देखते हैं हम हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, इसके अलावा हमसे तुम्हें और क्या क्या चाहिए? हा? ये केल, केमिकल फैक्ट्री, मीथेन, बिजली, सब कुछ तो दे दिया है, अब सिर्फ ये गमछा ही तो बचा है, उसको भी निकालने के लिए तुम लोग शहर से यहाँ पर आते हो क्या? तूने जो चिल्ला चिल्ला कर बेची ना, वो जमीन एक वक्त में कितनी हरी भरी थी, कितने गोनी की फसल होती थी पता है तुम्हें? ये सब मुझे कैसे पता होगा, हीरोइन के नाते मुझे कितनी प्रॉब्लम है, ये आपको भी नहीं पता ना। अच्छा सवाल किया तूने, मुझे जिस तरह की हजार समस्याएं हैं
उसी तरह तेरी भी हजार परेशानियां हैं, लेकिन मैं अपनी परेशानी लेकर किसी को तकलीफ देने के लिए उसके घर में तो नहीं घुसाना और घुसूंगा भी नहीं। ये प्रचार, व्यापार, फलाना धमाका, ये सब लेकर हमारे घर में तुम लोग क्यों घुसते हो? सर, इस जमीन को बेचने के लिए जो प्रचार करते हैं उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, हम एक्टिंग करते हैं, इतना ही। पीने वाली चाय से लेकर टॉयलेट धोने के एसिड तक घर में घुसकर उसकी बिक्री कर रहे हो ना? हम लोगों ने कभी पूछा क्या? नहीं ना। अगर अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाना है तो अपने मन पसंद के अभिनेता या अभिनेत्री बोलेंगे, तभी हमारे देश के लोग विश्वास करते हैं। लेकिन तुम लोग उन पैसों के लिए उस विश्वास को बेचते क्यों हो? तुम लोगों की बातों पर विश्वास करके हमारे गांव का मालिंगम शिक्षक इतनी बड़ी नौकरी ठुकरा कर ईमू मुर्गी बेच रहा है, ये सब तुम्हें पता नहीं है क्या? अपना मुंह कर। थोड़ी देर पहले साज श्रृंगार करके ताजी ताजी हवा आएगी ये डायलॉग तुम बोल रही थी ना, उसके पीछे के आंसू और तकलीफ तुझे पता भी है क्या? इस जमीन में घास फूस भी नहीं उगने वाला, इस जमीन को रखकर तू क्या करने वाला है? ये जमीन है या सोना? अगर बारिश भी आई ना तो यहाँ एक बूंद पानी नहीं ठहरने वाला। कुछ देर खुदाई करने के बाद गुलाब जल की तरह पानी बहेगा। तंजा उसे यहाँ आते आते अलग सूख गया। तंजा उसे यहाँ की दूरी सिर्फ 10 मिनट की है। एक जमीन को किसी ने रियल एस्टेट में बदल दिया ना तो उस जमीन को पार करके किसी भी जमीन तक पानी नहीं पहुँचेगा, उसके बाद सबको मजबूरन जमीन बेचनी पड़ जाएगी। ये जो तुम लोग प्रचार कर रहे हो ना उसकी वजह से सारी उपजाऊ जमीन मिट जाती है। प्रचार करने के बदले मुझे इतनी सारी तकलीफें होंगी ये मैंने नहीं सोचा था, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। देख यार, अभी भी इसकी आंखों से आंसू नहीं निकला है। ए, होगा तब टपकेगा ना, जो होता है वो तो सीरियल में बा देते हैं। ए, छोड़, जाओ जाकर पुलिस में कंप्लेंट करो, सारी मीडिया में इंटरव्यू दे दो, ये भी तो तुम लोगों के लिए फ्री में मिलने वाली पब्लिसिटी है ना। जाओ, ए, चलो। ये सब बताकर हम यहाँ वोट मांगने नहीं आए हैं बेटी, तुम्हें ही मांगने आए हैं। हाँ बेटी, जब तूने मेरे पोते पर हाथ उठाया था ना, उसी वक्त मैं तेरे हाथ तोड़ देती, लेकिन मेरे पोते ने मना कर दिया क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है। मेरे विश्वास को टूटने मत देना बेटी। और ये मेरे पोते की तरफ से। नेताजी, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ए, थोड़ा शांत रहो। अंकल, अरे आजा 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 आजा। हाँ, अरे राजनीति में आ गया ना तू, चलिए तो बहुत ही अच्छी बात है। बैठ छू। ओके। अरे अरे बैठ जा बैठ जा, बैठ बैठ बैठ। इस सीट पर आपका हक है, आप सिर्फ हाँ कह दीजिए, मैं अभी लिखकर पार्टी को दे दूंगा कि ये सीट मेरे बेटे को नहीं चाहिए। छे 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 छे, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे ये सीट नहीं मिली इस बात का दुख तो मुझे है, लेकिन इसमें तू क्या कर सकता है? उसके खिलाफ किसी को खड़ा करना था तो वो कोई जवान ही होना चाहिए था ना, और ये पार्टी का फैसला था। अभी अगर तुम आकर कहोगे कि मेरे बेटे को सीट नहीं चाहिए तो वो सीट वो फिर किसी दूसरे युवक को देने की ही तो बात करेंगे ना, उससे अच्छा तो मेरी आंखों के सामने पले बड़े लड़के को मिल रही है, जो मेरे लिए अच्छी बात है। थैंक्स अंकल, इतना काफी है नेताजी। अंकल आप गलत मत समझिएगा, पापा ने जाने अनजाने में ऐसा कुछ किया होगा जिससे आपके दिल को ठेस लगी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं पूरी जिंदगी आपके नीचे रहूंगा। अंकल क्या बेटा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? देखिए अंकल, वो लड़का जो खड़ा हुआ है वो आपका रिलेटिव है, आपकी बिरादरी का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी हाल में उसे सपोर्ट मत कीजिए। गरम खून है ना, पढ़ा लिखा ये दिखा रहा है। जब पार्टी ने तेरा नाम घोषित किया तो मैं तेरे साथ काम करने के लिए मैदान में उतर गया। हाँ, तू जिस बिरादरी और जात की बात कर रहा है ना, वो मैं देख चुका हूँ, और वो भी किस नजर से पता है? अरे मेरी बिरादरी का है, इसलिए मेरा रिश्तेदार है, तो मैं उससे जो भी कहूंगा वो मना नहीं करेगा, इसलिए उसको बुला के ज्यादा प्रचार मत कर। कैसे भी हो हमारी पार्टी जीतने वाली है, तू उस हिसाब से काम कर तो अच्छा है, ऐसा तेरी मदद करना चाहता था लेकिन तूने तो सवाल कर दिया। सॉरी अंकल, मेरे दिल में जो है मैंने कह दिया। मैंने बुलाया है उसको, बुला कर लेकर आ। हाँ नेताजी, बुलाते वो आ जाएगा क्या? इलेक्शन खत्म होने तक कहीं बाहर चला जाऊँ क्या? आ गया। ठीक है, बाइक पर बैठ, मामा ने तुरंत बुलाया है। ओके, कौन मामा? ए, जो सत्ता में है वो जिला सचिव ने बुलाया है, तेरे लिए वो सचिव होंगे लेकिन मेरे लिए तो वो मामा है। ओहो, ओहो, समझ गया मैं,
फैसला हो गया, लगता मार खाने के बाद पार्टी बदल रहे हो। मामा की पार्टी ज्वाइन करते हैं और आम का बगीचा हथिया लेते हैं। एक नंबर का भिखारी है ये, ले चिल्लर। एमएलए का पद तो बहुत मामूली सा पद है नेताजी, मैंने आपको बोला था ना कि राजयोग है, इसलिए आपको राज्यसभा में सीट तो आपको मिलनी ही है। मैंने क्या बोला था? मेरे बुलाते वो 5 मिनट में आ जाएगा, देख आ गया ना। इसे कहते मेरी पहचान। भांजे बैठ जा रहे भांजे। अरे ये है कौन? अरे मैं, ये बिरादरी रिश्तेदारी सब घर के अंदर बोरी में बांध कर रखो। ये मामा भांजे का रिश्ता ना मुझे मत बताओ। आप सत्ता में जिला सचिव हो और मैं विपक्षी उम्मीदवार। पार्टी और जाति की बात होगी ना तो मैं पार्टी की तरफ रहूंगा। मेरा बाप इस पार्टी में शामिल हुआ था लेकिन मैं इस पार्टी में पैदा हुआ हूँ। किसके सामने तू जाति बिरादरी नाम का सट्टा खेल रहा है भाई? तू किसके सामने बात कर रहा है? इतने दिनों तक तो मैं जीतूंगा या हारूंगा मुझे शक हो रहा था, लेकिन आज तूने यहाँ पर मुझे बुलाया और समझौता करने के लिए सोचा ना, तभी मेरी जीत पक्की हो गई। तू किससे बात कर रहा है पता है था? तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, पैसे और जाति के नाम पर मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। अगर दम है ना तो मैदान में मेरा मुकाबला करके दिखाओ। मम्मी माँ ने आपको याद किया है। इसका बाप 40 साल से राजनीति नहीं कर पाया और इसने 4 दिन में वो काम कर दिखाया। हा? कल तक मामा मामा करके मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, आज मुझे ही सिखाकर चला गया। दिखाता हूँ इसे, अब ये मुकाबला तेरा और उसका नहीं है, मेरा और उसका है। वो सब छोड़ यार, अपने गांव में हम ही जीतेंगे। सेकेंड इनिंग सहने की ताकत अब मेरे शरीर में नहीं है भाई, लगता है फिर से सर फटेगा। यार मैं अगली गली में निकलूं क्या? चलो। अबे आ गया बटले, ये सब तो कुछ अलग ही तरीके से खड़ी हैं। अभी क्या मुसीबत है आप लोगों को? आ रही है, आ रही है, आगे आ रही है, आगे आ रही है, निकल लेता हूँ। बहुत अच्छी लड़कियां हैं। भगवान तेरे साथ है और हम भी तेरे साथ हैं। तू जरूर जीतेगा बेटा, जरूर जीतेगा। ये भी मुझे सुलाकर मेरे ऊपर नाचने वाली तुम ही हो ना, देखो मत जाओ। क्या औरत है, बच्चे की तरह कूद रही थी। हमसे गलती हो गई। इलेक्शन मतलब गलत रूट जा रहा है। उसके बदले में हम सबका वोट तुम्हें ही जाएगा। ये क्या, तुम अलग सीढ़ी पर बैठी और मैं अलग सीढ़ी पर बैठा हूँ? अरे इसको करीब करीब कहते हैं क्या? हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? अरे यार प्यार करने वालों के बीच से हवा भी पास नहीं होती है, इतने करीब होकर घूमते हैं वो। प्यार कर रहे हैं? मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या तुमने मुझसे कहा क्या? और वैसे भी ये प्यार करना, बाइक पर चिपक कर रोड पर घूमना, एक दिन अगर ना मिल पाए तो मुँह फुला कर बैठ जाना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। ये क्या बोल रही है? क्यों, मैंने क्या गलत कह दिया? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इनके भरोसे रहेंगे तो कुआं ही मिलेगा। चुपचाप प्रचार करो और इलेक्शन में जीतने की सोचो, ये प्यार यार के बारे में मत सोचो। अगर ये प्यार के चक्कर में गलती से भी पड़ गए ना तो कहीं के नहीं रहोगे, समझे ना? नमस्ते ओंड्रिया। नमस्ते नमस्ते। इलेक्शन का सारा काम कैसा चल रहा है? अरे ये पार्टी के ऑफिस में क्यों सो रहा है? ये सब सही है क्या? पूरी रात प्रचार करके थक गया है इसलिए अभी सो रहा है और आप उसको गाली दे रहे हैं। ये प्रचार करने गया था, इसकी शक्ल देखकर कौन वोट देगा? फिर हम किसको प्रचार के लिए भेजेंगे? उस वीर कुमार को भेजना चाहिए था ना। मेरी शक्ल अच्छी नहीं है ये बात तो मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बदले किसी और को चुनाना तो दिस इज टू मच। अच्छी तरह से देखो इसकी शक्ल को, भाड़े पर आया हुआ गॉडज़िला लग रहा है ये। इसकी शक्ल से ज्यादा गंदी है क्या मेरी शक्ल? आपका बाप भी आपके साथ पॉलिटिक्स कर देता है क्या भाई? तेरे बाप को सीट नहीं मिली इसलिए वो तुझे हराना चाहता है, देख क्या रहा है, ये मुझे तुझसे अलग करना चाहते हैं। अरे हाँ यार मैं भी यही बोलना चाहता था, ये फ्लैग्स पोस्टर बल्क में छपवाना है, हमने त्रिपुर में ऑर्डर दिया था ना, तो तू आज ही वहाँ पर जाकर 5-6 दिन रुक कर छपवा और फिर लेकर आ जा यहाँ पे। यही बात तेरे बाप ने सीधे बोला और तू घुमा कर बोल रहा है मुझसे। सीट मिल गया तो ऐसा करेगा, जीतने के बाद तो तू मेरा एनकाउंटर भी करवा सकता है बेटा। चंदन मैं यहाँ नाराज होके जा रहा हूँ और ये मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। ए मुच्छर, 20 साल से साथ में रहने वाले को त्रिपुर फ्लैग्स खरीदने भेज रहे हैं और इलेक्शन में पैसे नहीं है, तुझसे ये कहकर तूने जो डाइनिंग टेबल अंगूठी पहनी है ना वो छीन कर तुझे भगा देंगे बेटा। हाँ मेरी बात याद रखना।
जन्मदिन पर कटिंग लेकर देने वाला वो कहाँ है आखिर? और मुझे देखते ही फौरन शराब लेकर देने वाला कहाँ गया आज? अगर मुझे पता होता तो मैं बचपन से आप लोगों के साथ ही रहता। ये खास शराब तुम्हारे लिए है, ये तेरे लिए स्पेशल है। दिस इज 60 ईयर्स ओल्ड। मतलब 60 साल पुरानी है। इतनी पुरानी शराब आप लोग मुझे क्यों दे रहे हैं? क्या इसकी कीमत 35,000 रुपए है? इतना महंगा है ये? फिर तो मैं इसे यहाँ नहीं पीऊंगा भाई। क्या बोला? जो दोस्त मुझे 10 पैसे के लायक नहीं समझता, मैं ये उसके सामने पीऊंगा। कहीं भी जाकर पीना। लेकिन अरे वो कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पास करते रहना, समझे? शराब देखते ही सरेंडर होने वाले लोग हैं हम। बोल दिया ना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना? मजा आ गया। एक 10 रुपए चेंज होंगे क्या? क्यों? अचार लेने के लिए। अबे 35,000 की शराब ले जा रहा है और अचार के साथ पिएगा? शराब के लिए तूने डिसाइड किया है, लेकिन चखना मैं डिसाइड करूंगा। शराब चाहे 1,00,000 रुपए की हो, लेकिन चखने में अचार के साथ घुमा के बोतल खोलो ना, पैग मारो ना, तो उसका मजा अलग ही होता है। तुम लोग क्या समझोगे? शराब चाहे कोई भी दे, लेकिन कंपनी तुम लोग ही दोगे यार। 60 ईयर्स ओल्ड बॉस, 60 ईयर। पुराना कितना भी हो, निकलना तो पेशाब से ही है। हैं? शराब को बनाकर पीने वाले हम जैसे लोगों को स्कॉच की क्या जरूरत है? अरे भाई, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, इन्फॉर्मेशन। मैं देता हूँ इनको इन्फॉर्मेशन। वो लोग जल्दी नया नगर मोहल्ला जाने वाले हैं और वहाँ पे पैसे बांटने वाले हैं। उसके बाद दुबई के आरा गांडी पांडी ने जो पैसे दिए थे उसे भी सबको बांटने वाले हैं। यही उनका प्लान है। शान पर ही वोट डालना, पढ़ा लिखा लड़का है। आप ऐसा सोचेगा कि मेरे बेटे को वोट दे रही हैं, ये गांव का लाडला है। दीजिए, ये रख लो। नहीं नहीं साहब। अरे हमारा चुनाव सिंदूर रानी है, खोल कर देखिए। देखिए, उन लोगों ने सिंदूर दानी दी थी, आप लोग शर्ट तो दे सकते हैं ना? इनाम और गिफ्ट देकर वोट मांगना न्याय नहीं है बहन जी। अरे आप भी ना, पसीने से तर बतर होने के बाद भी हमें शर्ट नहीं देते हैं और आपको मुफ्त में शर्ट दे रहे हैं। कंजूस कहीं के, बेकार। बहन जी, शर्ट चुनाव चिन्ह पे वोट डालना मत भूलना। चलो कार्य बस चुनाव चिन्ह नहीं है, वरना लोग वो भी मांग लेते हैं। देख रही हो, अगर आप आरती उतारोगी तो 5-10 रुपया दक्षिणा मांगोगी और हम इतने अमीर नहीं है, इसीलिए खुद ही आरती उतार रहे हैं। कम बोलो, कहीं घर में ना चली जाए। किसको वोट देना है आप लोग फैसला कर लो, देख लिया ना? कितने बेईमान लोग हैं। ये फोटो कब निकाली और पोस्टर भी चिपका दिया? हम लोगों ने किसी को पैसे नहीं दिए, ना नया नगर मोहल्ला और ना नया गांव मोहल्ला, लेकिन उन लोगों ने नया गांव मोहल्ले को दिया है। तो क्या नया नगर वाले बेवकूफ हैं? नहीं ना, आप लोगों का वोट वोट नहीं है, या फिर आपके वोट की जरूरत नहीं है उन्हें? इसका कुछ कीजिए अंकल। क्या ये ऐसे कपड़े पहनकर जाओगे तो कौन वोट देगा? कोई नहीं देगा, सब लोग धोती पहनकर जाओ। क्या रे, तुम लोग एक ही दिन में बड़े आदमी बनकर आ गए क्या? पापा नहीं। अरे पार्टी वालों ने यूथ को सीट देने का फैसला किया है तो फिर ये धोती भी थी किस लिए यार? जाओ जाकर पैंट शर्ट पहन कर आओ। अरे यार, क्या है? सब कुछ उतार कर सिर्फ चड्डी में खड़ा होना है क्या? आप जाइए, घर में सब लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ। अब क्या है? अरे तुझे विदा करने आई हूँ मैं, जल्दी तुम्हें विदा करूंगा इस दुनिया से। अरे माँ जी है ये? अरे माँ है। ऊपर से फोन आया है। ऊपर से फोन आया है। ओके ओके। प्रचार करने निकले या नहीं? हाँ बस अभी निकल ही रहा हूँ। पैंट शर्ट में मत जाना, पोती पहन कर जाना। और अगर फुल स्लीव शर्ट हो तो दो ही बार फोल्ड करना और माथे पर विभूति लगा कर जाना। अरे मैं क्या नाटक करने के लिए जा रहा हूँ? खुद ही पैंट शर्ट में आने के लिए बोला है और तुम यूथ के ट्रेंड को समझे बिना ही बोल रही हो। लड़कियों को पता नहीं होता क्या कि लड़के कैसे कपड़ों में अच्छे लगते हैं? तुम चुपचाप से धोती पहन कर जाना, यही कहने के लिए फोन किया था। ए, मेरी बात सुनो, आज के जमाने में राजनीति में रहने वाले बहुत से लोग धोती नहीं पहनते हैं। ए, पहले तुम इंडियन बन जाओ फिर लीडर बन जाना। मैं तुम्हें धोती और शॉर्ट में देखना चाहती हूँ। समझता ही नहीं।
इससे पूछ के तुम हमारे गांव में मीथेन टेस्ट कर रहे हो? ये कौन है सर? अच्छा ये कंदनगुड़ी का कलेक्टर है, हमेशा जमीन पेड़ पौधों को लेकर बवाल करते रहते हैं। जमीन का मालिक जब चुपचाप बैठा है तो तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? मीथेन के नाम पे हमारी जमीनों को रेगिस्तान बनाना चाहते हो? ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। मेरी जान चाहे चली जाए लेकिन मैं ये टेस्ट नहीं करने दूंगा। आप लोग रक्षा करने आए खड़े होकर तमाशा देख ले, इस भिखारी को जाने के लिए कहो। सर जबान को लगाम दीजिए, आप ऊंचे पोस्ट पे हैं तो क्या हम किसानों को जीने नहीं देंगे? कीचड़ में रहने वाले भिखारी तेरे लिए खाने से बड़ा हुआ हो क्या? एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता है और यहाँ आकर सवार पर सवार कर रहा है। यहाँ मिथेन निकाल रहा हूँ तो मेरे सामने चिल्ला रहा है, 7-8 जिले में मिथेन टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ जाकर तू सबको रोक लेगा क्या है? रामैया इन लोगों ने जो पैसे दिए उससे मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा, तुम बीच में मत पड़ो रामैया। लोग समझ नहीं पा रहे, मेरी आंखों के सामने मैं अपनी जमीन को रेगिस्तान बनते हुए नहीं देख सकता। मिथेन परियोजना को एक विकास योजना बताकर हमारा मुंह बंद करने वाले अधिकारी, अगर वो सच में इतना विकास चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, पोलैंड, कनाडा, इतने सारे देशों में क्यों प्रतिबंध लगाया हुआ? कीचड़ में रहने वाले भिखारी तेरे लिए खाने से बड़ा हुआ क्या? किसानों की समस्या है, इसलिए पढ़े लिखे लोग, अधिकारी सब पीछे पड़े हुए हैं। ये सिर्फ हम किसानों की समस्या नहीं है, जो भी अन्न खाता है ये उन सब की समस्या है। अपने मानव जाति की भलाई के लिए मेरा बेटा मुकेश जैसे मर गया, उसी तरह मैं भी इस जमीन को बचाने के लिए मर रहा हूँ। मेरा लाश हथियार बनकर किसी भी तरह इस मिथेन नाम के राक्षस को मार कर रहेगा। मेरी मौत को भूखमरी की मौत का दर्जा मत देना, किसी भी जमाने में मेरी जमीन पर मिथेन का प्रकोप मत होने देना। मेरी जमीन के लिए अपनी मौत पर मुझे गर्व है, लेकिन मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़ के जा रहा हूँ, इस बात का मुझे बहुत दुख है। जो मेरी जमीन को मुझसे ज्यादा चाहेगा वही मेरी बेटी को संभाल लेगा। डिपॉजिट भी नहीं मांगेगा सोचा था, लेकिन वो तो हमें टफ फाइट दे रहा है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। वो हमारी उंगली पकड़कर हमारी आंख को ही चोट पहुंचा रहा है। अरे तुम उस नौ सीखे से डर रहे हो क्या? जब तक वो राजनीति सीखेगा तब तक तुम मंत्री बन जाओगे। मैं रमन, मैं अपनी जमीन पर रहने वाले ग्रामवासियों मिथेन के खिलाफ हमसे जितना हो सका हम उतना लड़ चुके हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपनी जान देकर लड़ने का फैसला किया है। मैंने अपनी जान इस जमीन के लिए दी, इसलिए मिथेन परियोजना को यहाँ से खदेड़ के बाहर कर दो। जो जमीन को हड़पना चाहते हैं उन सब लोगों की सोच को तोड़ डालो, हमारी जमीन को हमें ही बचाना पड़ेगा। बोला था कि भर के लिए इसको रोकूंगा मैं, और उसने कर भी दिखाया। बेटे अंकल आप रुकिए, मैं बात करके आता हूँ। खेल खेल रहा था और हम देख रहे थे, अब हम खेलेंगे और वो देखेगा।
मेरे पापा। तुम्हारे पापा ने बिना माँ की तेरी परवरिश की है, पढ़ाई में, संस्कार में लोग तुम पर गर्व करें ऐसी शिक्षा दी है, लेकिन मेरा विश्वास गलत साबित हुआ। जब मुझे पता चला कि तुम उस नालायक से प्यार करती हो तो मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया बेटा, और मैं समझ गया कि मैं तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं कर पाया। आज पूरे गांव समाज में किसी को अपना मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, इसलिए जहां तुम्हारी माँ गई है वहीं मैं भी जा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना, तुम्हारा पापा। पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाने तक कोई भी बॉडी के करीब नहीं जाएगा। तुम लोगों को अलग से बोलना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी जाने का शौक है क्या? जाओ यहाँ से। एथेन के लिए मरने वाले को तेरे प्यार के लिए मरा, ये बदल कर मुझे कैसे फंसाया देखा? क्या सर, आप लोगों के दिल में रहम नहीं है? एक किसान भूखमरी में मर गया और आप लोगों ने ऐसे ही बदल दिया? हम लोगों ने बदल दिया? बदलने में तो हम लोगों से तो तू बड़ा एक्सपर्ट है, ऐसे क्या दिख रहा है? जिला सचिव के साथ गोल बाल करके तुमने हमारे इंस्पेक्टर को यहाँ से भगाया था ना, अभी समझ में आया किसी एक चीज को बदलने से कितनी तकलीफ होती है? सर मैंने जो किया वो गलत है सर, मुझसे जो बदला लेना है वो ले लो सर, लेकिन एक किसान की मौत को बदनाम मत कीजिए सर, मेहरबानी करके इस मौत को भुखमरी में दर्ज करके इस जमीन को बचाइए सर, मुझे ये इलेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चला जाऊंगा। तुम क्यों जाओगे? तुम क्यों जाओगे? तुम्हारे इलेक्शन के वक्त तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मेरे पापा मरे हैं क्या? मेरे पापा ने जो कुछ कहा उसके बाद मैं तुमसे और प्यार करने लगी हूँ। आज तुमसे कहती हूँ, आज कहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने पापा को मैं नहीं जानती क्या? मिथेन के बारे में सुनकर वो आधे मर चुके थे, लेकिन हमारे प्यार के बारे में सुनकर वो डर गए कि वो बदनाम हो जाएंगे। लेकिन ये सब सोचकर तुम परेशान मत हो, इस तरह देश के हर कोने में कितने सारे किसान मर रहे हैं, परिवारों की समस्या, नाचाय संबंध, पेट दर्द, इस तरह का नाम देकर किसानों की मौत को बदनाम किया जाता है। और सिर्फ मेरे पापा की मौत नहीं, मेरे पापा की तरह मरने वाले हर एक किसान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अब तुम्हें खड़ा होना है और लड़ना है, और ये लड़ाई जीतनी ही होगी। इसके पैर पड़ने से क्या होगा, इसके बदले गांव वालों के जाकर पैर पड़ो। जाओ जन्म लेकर ए, तू कैसा इंसान है रे? प्यार करने के लिए इस गांव के अलावा दूसरी लड़की नहीं मिली? मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की, इलेक्शन के चक्कर में उसे फंसा दिया तूने? वोट मांगने आ गया, मारो इसे, छोड़ना मारो। किसने कहा था इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, जब कुछ काम नहीं कर सकता तो? मारना चाहते हो? पता चल गया ना, राजनीति में इस बच्चे ने उस जिला सचिव को भी पीछे छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि वो आर्यु गांव छोड़ करके चला गया होगा। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। अरे बैठिए ना सर, भाई पुराने आर्यु नहीं है जो बात बात में हाथ उठाते थे। नामांकन वापस लेने की तारीख निकल चुकी है। ऐसे मेरे घर आने का क्या मतलब है? ए, तू किसान की मौत के साथ खेल सके इतना बड़ा राजनेता बन गया क्या? इस तरह एक अमीर, एक ऐसा अधिकारी, एक ऐसा राजनेता, ऐसे लोगों से बोर हो गए हैं इसलिए तेरे और मेरे जैसे युद्ध को सीट देने का फैसला किया गया है। हम दोनों ने लड़ाई करके सीट नहीं ली है, राजनीति और अधिकारियों के खिलाफ आज के युवक फेसबुक और ट्विटर पर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, समझा? वो ये बस टाइम पास के लिए नहीं लिखते हैं। इजिप्ट और लीबिया में जो क्रांति हुई है उस तरह यहाँ होगा या नहीं, इस तरह में ये युद्ध लिख रहे हैं। लेकिन जो जमीन हमें अन्न देती है तू उसके लिए जहर बन रहा है। बेटा ये कौन होता है? मैं सब बोलने वाला हारने वाला ये सब बोलेगा इधर बेटा, हमें शांति से रहना है। बेटा तुम बोलो, बोलो बोलो। सिर्फ तुमसे ही नहीं पूरे गांव में जाकर बोलूंगा, क्योंकि जीतने वाला नौजवान एक शरीफ होना चाहिए। अगर तेरे जैसे लोग जीत गए ना तो लोगों का नौजवानों पर से विश्वास उठ जाएगा, समझा? ये देख, मैं नहीं जीतूंगा, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन तुम जैसे लोग बिल्कुल जीतने नहीं चाहिए। यहाँ
यहाँ इस तरह से क्यों खड़ा है बेटा? भगवान तेरा साथ देंगे, क्यों फिक्र कर रहा है? इतना उदास क्यों है मेरे बच्चे? देख लेना, जीत तेरी ही होगी। बोलना, बाद में बात करूंगा। क्या रे, कार की कुंडली देख रहा है क्या? काउंटिंग से पहले ही भगा दिया तुझे। गिनती शुरू हो चुकी है। वतनाड वोट, पर्ची वोट, स्रोत कुल वोट 851। उम्मीदवार माननीय वसंत बालाकृष्णन 376 वोट्स। उम्मीदवार सर अरि वलगन को 390 वोट मिले हैं। पर्ची वोट हमसे ज्यादा जो सत्ते में होते हैं उनको मिलते हैं, उनसे ज्यादा हमको मिले हैं। लीडिंग शुरू हो गई है, भांजे तो चिंता मत कर। ऐसे क्या देख रहा है? आज के बाद अरियु की जीत भगवान भी नहीं रोक पाएगा, समझ लेना। पट्टुकोटे से जीतने वाले वीर सेनन को जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वर्थनाड रोड का पहला चरण माऊका के उम्मीदवार वसंत बालाकृष्णन को 101,272 वोट मिले हैं। समीका के उम्मीदवार माननीय अरि वलगन उनके मुकाबले 3,164 वोट से पीछे हैं। इलेक्शन में जो पहले राउंड में फर्स्ट आता है ना, वो लास्ट राउंड तक रहता है, इसलिए बाहर जाके धन्यवाद कहने की मीटिंग अरेंज करा। दूसरे राउंड का परिणाम, माऊका के उम्मीदवार वसंत बालाकृष्णन 204,745 वोट। समीका के उम्मीदवार माननीय अरि वलगन को 106,680 वोट मिले हैं। गिनती अभी भी जारी है। लेकिन कैसी है रे? परिणाम आपकी मेहनत के नतीजे हैं। ऐसा मत बोल, ये सब तेरी बेटी की मेहनत का नतीजा है। सन, वोट डालने वालों पर विश्वास करो या नहीं, लेकिन तेरी भविष्यवाणी पर विश्वास है। आज तक तूने जो भी बोला है बिल्कुल सच हुआ है। तू पूरे गांव की कुंडली देखता है ना, लेकिन आज मैं तेरी कुंडली देखूंगा। इस रिजल्ट के बाद पोपट लेकर तू अगर लोगों की कुंडली देखने का काम नहीं किया ना, तो सच कहता हूँ मेरा नाम बदल देना तू। उसका नाम बदल के पंचर रख ले, काम आएगा, समझ गया। चौथे राउंड का परिणाम, माऊका के उम्मीदवार वसंत बालाकृष्णन को 3,02,624 वोट मिले हैं। समीका के उम्मीदवार माननीय अरि वलगन को 107,110 वोट मिले हैं। आगे के परिणाम के लिए सुनते रहिए। जीत गए, जीत गए, अब जीत गए बेटा। ये क्या लीडिंग है रे? अपने एरिया की गिनती होने दे, उसके बाद देखना। भाई ऐसा लग रहा है दूसरे जिले के आदमी को ज्यादा वोट मिले हैं और हमें कम, जीतना बहुत मुश्किल है। सातवें राउंड का परिणाम आ चुका है। माऊका के उम्मीदवार वसंत बालाकृष्णन को 407,432 वोट मिले हैं। माननीय अरि वलगन 108,740 वोट से पीछे रह रहे हैं। जुंजा का वाइन शॉप में बैठा होगा। जीता या नहीं? मैं आपको वादा फोन करता हूँ नानी, अरियु जीतेगा तो नहीं बताऊंगा क्या? अरे तू घबरा क्यों रहा है, मेरा पोता ही जीतेगा, उसे गांव में हर कोई पसंद करता है। इस शराब की वजह से हमारा नाम खराब हो चुका है, वापस यहीं आकर बैठा है। पहले ही राउंड में पता चल गया था भाई कि हम हारने वाले हैं, अच्छा नहीं लग रहा था तो यहाँ चला आया। जिंदगी को खेल समझकर हम हर जगह हार गए यार, सब खत्म हो गया। यार छोड़ना, इतनी टेंशन लेके क्या होगा, अब जो हो गया सो हो गया भाई। ए, क्या यार, हमने इससे कहीं ज्यादा खोया है जिंदगी में? छोटी सी चीज के लिए तो बच्चे की तरह क्यों रो रहा है? मैं अपने हार की फिक्र नहीं कर रहा हूं यार, मैंने अपने पापा के 40 साल के सपने को हरा दिया है, उनकी उम्मीद और संघर्ष को तोड़ दिया मैंने, इसलिए फिक्र हो रही है। ए, क्या ये सब, तेरे बजाय इन गांव वालों को रोना चाहिए।
हम लोगों को ऐसे रुला दिया इन लोगों ने, लोगों के हाथ जोड़े पैर तक पड़े, फिर भी इन कमीनों ने ऐसा किया हमारे साथ। अगर अमीर लोगों को जीतना है तो फिर इलेक्शन ही क्यों रखते हैं ये? अरे चुपचाप एमएलए की नीलामी करके खरीद लेना चाहिए ना। अरे वल्गन के मुकाबले वसंत बाला कृष्णन 22,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अरे दीदी कंफर्म हो गया, चलो अध्यक्ष को फोन करो। और डालूंगा इन लोगों को। सर कौन है वो बीच हॉल में फोन पर बात करते हुए जा रहा है? एक्स मिनिस्टर है तो कुछ भी करेंगे क्या? नेताजी मेरी बात सुनिए नेताजी। छोड़ो मुझे। अपने एरिया की गिनती होने दो। मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो गई, मैं ही अपने बेटे को बीच रास्ते में ले आया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कभी भी सीट मांगने नहीं जाता। नेताजी पहले कभी नहीं रोया, पर आज मेरे नेताजी को बहुत दुख पहुंचा है ये सोचकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं रो रहा हूँ भगवान, मुझे जुबान क्यों नहीं दी, मुझे जुबान देनी चाहिए थी। आज की टिट मेरी तरफ से, मेरा दोस्त आर यू एमएलए बन गया। ऐसे कैसे हो गया नेताजी? क्या चाहिए तुम लोगों को? अरे जाओ जाओ। मैं एक अदना से बच्चे से हार गया, इस गुस्से से आ रहा हूँ और तुम लोग मेरे घर के आगे मातम लगा के इस तरह बैठे हो। नेताजी सुनिए तो। जाओ ना नेताजी, मैंने प्रचार तो बहुत किया था। तू क्या उखाड़ने वाला है? जा, छोटी बातों के लिए घर के आगे भीड़ लगाते हैं। आज के बाद पंचायत, जिला, जिला सचिव, सिफारिश लेकर कोई भी घर के अंदर आना तो तुम दोनों को चप्पल से मारूंगा मैं। तुम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे थे या सो रहे थे? हाँ, कैसे वो लड़का हमारे एरिया से जीत गया? अरे सही बात है, आखिर मैं पुलियूर कुरुप्पू और साई जिला एरिया में तू लीडिंग पर है। भगवान है रे, इस दुनिया में सारे के सारे भगवान हैं। चल चल आजा यार, तू लोगों से मिलने के लिए यहाँ से निकल, मैं जरा कुछ लोगों को धोकर आता हूँ। हाँ यार, जिन लोगों ने हमें बुरी तरह रुलाया ना, उस पुलियर कड़प्पू वाले लड़के का मिल कर आता हूँ उन लोगों से। भाई अपना भाई जीता है ना, ये सुनकर वो लोग साड़ी पहन कर भाग गए होंगे, देखना। सुन लो सुन लो, हमारी बात सुन लो, हफ्ते में 2 संडे लेकर आएंगे। ओके ओके, पुलियर कड़प्पू वालों को बेवकूफ समझता है क्या? भले ही वो जीत गया है लेकिन हम लोगों से हार चुका है वो। हाल तो घूमता रहता था ना, इसीलिए हम लोगों से लड़ता था वो। हम एमएलए बन गया है, हमसे लड़ने थोड़ी आएगा, उसके पास इतना समय थोड़ी होगा यार। अभी अगर इसको लड़ाई करनी है तो पार्लियामेंट जाके लड़े। अपने एरिया के लोगों ने हमें धोखा दे दिया। पता नहीं उसने लोगों पे ऐसा क्या जादू कर दिया जो सारे वोट वो ले गया। गई, क्या वो छोटा बच्चा है? अरे अब वो एमएलए है, पता चल गया, नीचे उतारो उसे। बिल्कुल सही बोला, अब ये एमएलए को नहीं उठाएंगे, पापा को उठाएंगे। जिला सचिव के एरिया में क्या धमाल मचाया? अरे जिला सचिव एरिया हो या विला एरिया हो, अब तक जहर पी के मर गया होगा।
चमत्कार उसने किया है। रातों रात सारे वोट को यहाँ से वहाँ ले जाकर चमत्कार करने वाला मैं हूँ रे मैं। नेताजी? हाँ, राजनीति में हारना जीतना मायने नहीं रखता है रे। कब जीतना है और कब हारना है ये मायने रखता है, समझा? लेकिन वो तो जीत गया ना। अरे वो बच्चा उससे कभी भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर उस अकलमंद से अभी नहीं जीतते तो फिर कभी नहीं जीतते। आईटी पढ़ेगा, राजनीति में आएगा, मेरे पैर पढ़ के मेरे सपोर्ट से जीत कर ये मेरे जिला सचिव के पद को वाट लगाएगा क्या रे? वो सब मैं माफ कर सकता हूँ, राजनीति में जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इसने जो किया था ना वो ज्यादा भयानक था। अंकल, इतने दिनों से वो खेल खेल रहा था और हम देख रहे थे, अब हम खेलेंगे और वो देखेगा। तब तक हम मुंह में उंगली रख के उसको रास्ता देंगे क्या रे? चल जा। जब उसने किसान की मौत से खेल खेला तब मैंने फैसला कर लिया था कि ऐसे लड़के कभी राजनीति में नहीं आने चाहिए।